कम्युनिकेशन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंदी में क्या कहते हैं इसे डिसीजन मेकिंग निर्णय निर्माण एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और समस्या समाधान तो क्या होता है डिसीजन मेकिंग व्हाट इज डिसीजन मेकिंग निर्णय निर्माण कौन बताएगा एनीबडी कोई भी व्हाट इज डिसीजन मेकिंग राइट और नेक्स्ट एनीबडी व्हाट इज डिसीजन मेकिंग निर्णय निर्माण नेक्स्ट एनीबडी व्हाट इज डिसीजन मेकिंग राइट और कोई अब देखिए हिंदी में लिख रहे पहले विभिन्न विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव निर्णय निर्माण कहलाता है निर्णय निर्माण कहलाता है आउट ऑफ मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्शन ऑफ बेस्ट वन इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग भिन्न विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव निर्णय निर्माण कहलाता है अब देखें आप लोगों ने चुनाव किया किसका निश्चय आईएएस का आप लोगों ने चुनाव किया निश्चय आईएएस का क्या आपके पास विकल्प के तौर पर निश्चय आईएएस ही अवेलेबल था क्या आप लोगों के पास विकल्प के तौर पर निश्चय आईएएस ही अवेलेबल था नहीं और भी विकल्प थे आपके पास बट आपने चुनाव किया निश्चय आईएएस का क्यों और कैसे क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स था उस रिसोर्स के हिसाब से आपको बेस्ट क्या दिखलाई दिया निश्चय आईएएस समझ आ रहा है अब देखें फर्दर डिसीजन मेकिंग में जो टेक्निक आप लोग बतलाएंगे उस टेक्निक से आपको क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा सही आंसर निकालने के लिए अब वो कैसे इस तरह से आप लोग इसे बांटना पार्ट वाइज और इधर राइट मतलब जिस पॉइंट को लेना है इधर रॉन्ग मतलब जिस पॉइंट को नहीं लेना है ठीक है इधर में से जो भी ऑप्शन में दिखलाई दे वो ऑप्शन क्या होगा सही होगा इधर में से जो भी ऑप्शन में दिखलाई दे वो ऑप्शन गलत होगा ठीक है क्योंकि आप जब डिसीजन लेते हैं तो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन तक पहुंचने के लिए बेस्ट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए कुछ पॉइंट्स को वाच करते हैं समझ आ रहा है कुछ पॉइंट्स को वाच करते हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसे लेना है और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं लेना है तो मेरा जो टेक्निक होगा वो बेसिक जो
मतलब कुछ बेसिक एलिमेंट पर हम खेलेंगे, समझ आ रहा है? गोल गोल घूमने वाला काम नहीं करेंगे, एक तो गोल गोल घूम करके आप आंसर निकाल सकते हैं और एक बेसिक एलिमेंट पर खेल करके। तो जब गोल गोल घूमने वाला आप तरीका अपनाएंगे तो क्वेश्चन आपको पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, और उसके बाद आप राइट ऑप्शन तक पहुंचेंगे इसका गारंटी नहीं है। लेकिन सेंट्रल एलिमेंट पर आप खेलेंगे तो आपको न गोल गोल घूमने का जरूरत पड़ेगा, न क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे और सही आंसर लगाएंगे। सेम टेक्निक का यूज हम पैसेज में भी करेंगे। पैसेज जब पढ़ाएंगे तो पैसेज पढ़ने का आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगा, बगैर पैसेज पढ़े पैसेज का सही आंसर निकलेगा। अब देखे आप लोगों को लग रहा होगा सर फेंक रहे, लंबा लंबा दे रहे हैं, बट अभी कुछ देर में मालूम चल जाएगा कि सर जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, अभी क्वेश्चन पढ़ने का आपको जरूरत पड़ेगा नहीं। अब कुछ पॉइंट्स को देखें, समझे कुछ पॉइंट्स को। इसमें फर्स्ट टर्म लगभग 60% क्वेश्चन का आंसर बस एक ही टर्म से हम निकालेंगे, उस टर्म का नाम क्या है? एक्सप्लोइटेशन। अब अभी जो आप लोग डिसीजन मेकिंग में पढ़ेंगे सीखेंगे, इसका फायदा आपको एथिक्स वाले पेपर में भी मिलेगा। एथिक्स वाले पेपर में भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, वहां आप अच्छा खेल पाएंगे, क्योंकि अभी आप में तो अधिकांश का ऑप्शनल फिलोसॉफी ही होगा ना, कितने विद्यार्थी को ऑप्शनल फिलोसॉफी हाथ खड़ा करना, तो आपको एथिक्स पेपर फॉर में फायदा मिलेगा। और आपको कहाँ फायदा मिलेगा? इंटरव्यू के एग्जाम में। इंटरव्यू में अधिकांश क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड ही होता है, वो सारा क्वेश्चन पर आप आसानी से खेल जाएंगे, दूसरा विद्यार्थी आसानी से नहीं खेल पाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा, और आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? बेसिक एलिमेंट का। तो वो बेसिक एलिमेंट में से एक एलिमेंट क्या है? एक्सप्लोइटेशन। तो अब आप ये बतलाएं कि एक्सप्लोइटेशन ये जो टर्म है इसे लेना है या नहीं लेना है, मतलब अगर एक्सप्लोइटेशन टर्म ऑप्शन में दिखलाई दे तो वो ऑप्शन सही होगा या नहीं होगा? सही नहीं होगा। एक्सप्लोइटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? शोषण। कितने तरह का एक्सप्लोइटेशन होता है? कितने तरह का एक्सप्लोइटेशन होता है? तीन तरह का एक्सप्लोइटेशन। कितने तरह का होता है? तीन तरह का। पहला क्या? मेंटल एक्सप्लोइटेशन। दूसरा, सबसे सबसे पहले आप लिख ले, जो सीक्वेंस हम समझाएंगे उसमें सबसे पहले लिख ले इकोनॉमिकल, एंड सेकेंड मेंटल, एंड थर्ड फिजिकल। इकोनॉमिकल, मेंटल, फिजिकल। अब इसी को हम दो पार्ट में इधर ऐसे डिवाइड कर दे रहे हैं, ये राइट वाला पार्ट इस साइड है और रॉन्ग वाला पार्ट इस साइड। तो अब एक एग्जांपल हम दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग बतलाना कि इसमें इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन हो रहा है या नहीं, ठीक है? सपोज ये एक कपल है, ठीक है? अब इसमें इसका यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, इसका यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ये अंदर से बहुत खुश होती है, ठीक है? इतना खुश कि ये अपना खुशी को संभाल नहीं पाती है। बाद में ये क्या करती है, इसे लेते जाती है रेस्टोरेंट में, खाना वगैरह खिलाती है, इसके लिए शॉपिंग कर देती है, और वगैरह वगैरह ढेर तरह का इस पर खर्च करती है। अब आप लोग बताए कि इसका इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन हुआ या नहीं। इसका इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन हुआ, अब समझे इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन, दैट मींस इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्थिक शोषण। मेंटल एक्सप्लोइटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मानसिक शोषण। और फिजिकल एक्सप्लोइटेशन को शारीरिक शोषण। तो इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन कब होगा? जब धन में कमी आएगा, सिंपल सा। इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन कब होगा? जब धन में कमी आएगा। क्या इसके धन में कमी आया? इसके धन में कमी आया, दैट मींस इसका इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन हुआ। अभी यह ज्यादा क्लियर होगा जब मेंटल समझाएंगे उस समय। अब कोई और केस लेते हैं। अच्छा, इसका मेंटल एक्सप्लोइटेशन हुआ या नहीं? धन में कमी आया, क्या हुआ? इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन। मेंटल एक्सप्लोइटेशन हुआ या नहीं इसका? कितने का कहना है इसका मेंटल एक्सप्लोइटेशन हुआ, हाथ खड़ा करे। हाँ, बता रहे। कितने का कहना है इसका मेंटल एक्सप्लोइटेशन नहीं हुआ?
अब देखे इसका मेंटल एक्सप्लोइटेशन नहीं हुआ। मेंटल एक्सप्लोइटेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बताया था अभी मैंने, मानसिक शोषण। मानसिक शोषण कब होगा आपको ये जानना होगा, मानसिक शोषण कब होगा, नहीं नहीं वो हम यहां से कर ले रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, वो यहां पर सारा सेट ठीक। हाँ ज्यादा देर का कंटेंट नहीं, एडिटिंग चलने दीजिए, कोई ऐसे ही चल। तो मेंटल एक्सप्लोइटेशन क्या बताया मैंने, मेंटल एक्सप्लोइटेशन कब होता है, जब आपके मानसिक शांति में कमी आए, ठीक है। तो अब क्या इसके मानसिक शांति में कमी आया, नहीं आया, दैट मींस इसका मेंटल एक्सप्लोइटेशन नहीं हुआ। अब मानसिक शांति में कमी कब आता है, या मानसिक शांति में कमी आए, या इसको दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि अशांति का उत्पत्ति, अशांति का उत्पत्ति कब होता है, मानसिक अशांति का उत्पत्ति कब होता है, हाँ इच्छा के विरुद्ध, जब आपके इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य होता है तब क्या होता है, मानसिक अशांति की उत्पत्ति होती है। तो क्या इसके इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हुआ, नहीं, दैट मीन्स इसका मेंटल एक्सप्लोइटेशन हुआ क्या, नहीं हुआ। अब इसका फिजिकल एक्सप्लोइटेशन हुआ या नहीं, फिजिकल एक्सप्लोइटेशन हुआ या नहीं, इसका फिजिकल एक्सप्लोइटेशन, फिजिकल एक्सप्लोइटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, शारीरिक शोषण। शारीरिक शोषण कब उत्पन्न कब होता है, शारीरिक शोषण कब होता है, जब शारीरिक कष्ट उठाना पड़े। क्या इसे किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट उठाना पड़ रहा है इस केस में, नहीं, दैट मीन्स इसका फिजिकल एक्सप्लोइटेशन नहीं हुआ, समझ आ गया। अब दूसरा केस लेते हैं, सेकेंड केस, सपोज ये इससे भावनात्मक रूप से अटैच्ड है, ये क्या चाहती है कि इससे मुलाकात होता रहे, ठीक है, बट ये रेस्टोरेंट के अलावे कहीं और मिलना नहीं चाहता है, तो इसे क्या करना पड़ता है, अपनी इच्छा के विरुद्ध खर्च करना पड़ता है, किस पर, इस पर। अब बतलाए इसका इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन हुआ या नहीं, हुआ, क्यों, धन में कमी आया। मेंटल एक्सप्लोइटेशन इसका हुआ या नहीं, हुआ, क्यों, क्योंकि अपने इच्छा के विरुद्ध इस पर खर्च करना पड़ा इसे। इसका फिजिकल एक्सप्लोइटेशन हुआ या नहीं, दूसरे वाले केस में फिजिकल एक्सप्लोइटेशन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसे शारीरिक कष्ट नहीं उठाना पड़ा, ठीक है। अब तीसरा, थर्ड नंबर, सपोज अब ये सोच ली, चाहे जो भी हो जाए अब खर्च तो इस पर नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए खर्च तो इस पर नहीं करेंगे। 2 महीना 4 महीना 6 महीना बीत गया, ये इसे कॉल नहीं की मिलने के लिए, बाद में क्या हुआ, इसे गुस्सा आया, ये कहां पहुंच गया, इसके हॉस्टल में। अब ये इसे छोटा पकड़ा और तार 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 इसे लगाया, ठीक है, तो ये अंदर से डर गई, ये अंदर से डर गई, फिर इसे लेते गई कहां, रेस्टोरेंट में, किस लिए, खिलाने के लिए। तो अब बतलाए इसका इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन हुआ या नहीं, हुआ, इसका मेंटल एक्सप्लोइटेशन हुआ या नहीं, हुआ, इसका फिजिकल एक्सप्लोइटेशन हुआ या नहीं, फिजिकल एक्सप्लोइटेशन हुआ, क्यों, क्योंकि इसे शारीरिक कष्ट उठाना पड़ा, ठीक है। तो एक्सप्लोइटेशन समझ आ गया आप लोगों को, एक्सप्लोइटेशन टर्म में किसी को कोई दिक्कत, तो अभी जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो जो भी ऑप्शन में एक्सप्लोइटेशन टर्म आएगा वो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, तब क्वेश्चन कराते हैं पहले, फिर क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग बेसिक एलिमेंट बतलाते चले जाएंगे, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड एक चीज और जान ले आप लोग,
सीसेट में एक डिसीजन मेकिंग ही ऐसा सेक्शन है अब सपोज ऑप्शन ए क्या है गलत है ऑप्शन बी क्या है गलत है ऑप्शन सी सही है ऑप्शन डी बेस्ट ठीक है अब आप लोग बतलाए कि यदि कोई विद्यार्थी ऑप्शन ए ऑप्ट करता है तो उसे कितना मार्क्स मिलना है जीरो क्यों जीरो क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है अदर सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होता है जैसे रीजनिंग हो गया पैसेज हो गया और भी वगैरह वगैरह उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है बट ये सेक्शन में डिसीजन मेकिंग में किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है अब ऑप्शन बी ऑप्ट करेगा क्या मिलेगा मार्क्स जीरो क्यों कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं ऑप्शन डी ऑप्ट करने पर कितना मार्क्स मिलेगा फुल मार्क्स एक क्वेश्चन पर कितने मार्क्स होता है सीसेट में ढाई मार्क्स नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है सीसेट में 80 और मार्क्स कितना होता है 200 दैट मींस ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स तो ऑप्शन डी यदि ऑप्ट करें तो कितना मार्क्स मिलेगा 2.5 मार्क्स मिलेगा अब कोई विद्यार्थी ऑप्शन सी ऑप्ट करता है तो उसे कितना मार्क्स मिलेगा अब बहुतों को लग रहा होगा 1.5 किसी को कुछ लग रहा होगा बट इस पर भी फुल मार्क्स मिल रहा है 2.5 तो डिसीजन मेकिंग ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और दो विकल्प पर फुल मार्क्स मिलता है समझ आ रहा है दो विकल्प पर फुल मार्क्स मिलता है दैट मींस आप डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन करेंगे तो या तो आप दो ऑप्शन को रिजेक्ट कर दे या फिर एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले दो ऑप्शन रिजेक्ट करते हैं तो जो दो बच जाएगा उसमें कोई सा भी लगाए आपको फुल मार्क्स मिलना है और दोनों में कोई सा भी नहीं एक एक लगाना है अब डिसीजन अब इसमें जो दो राइट ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वली राइट हो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्या हो इक्वली राइट हो और ऐसा भी हो सकता है कि एक कम राइट हो एक ज्यादा राइट हो और ऐसा भी हो सकता है कि एक पूरा गलत के काफी नजदीक हो तो परिस्थितियां जैसा भी होगा आपको दोनों में फुल मार्क्स मिलेगा अब क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहां से भी कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा तो ये देखिए इंस्ट्रक्शन इस तरह का लिखा होता है इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ करके देख ले सकते हैं अब ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके देखें इसे मिटा दूं इतना ही देखिए ये मेन कंटेंट है इस तरह का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होगा डिसीजन मेकिंग के जस्ट हिंदी मीडियम में आप लोग देख ले फिर इंग्लिश मीडियम में भी दिखलाएंगे इसमें कितने विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से हाथ खड़ा करना अच्छा दो स्टूडेंट ठीक है अभी इंग्लिश में दिखाते क्या प्रत्येक प्रश्नांश में एक स्थिति का वर्णन है जिसके पश्चात उसके चार संभव उत्तर दिए गए हैं जिस उत्तर को आप सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं उसे आप अपने उत्तर के रूप में अंकित कीजिए प्रत्येक प्रश्नांश के लिए केवल एक ही उत्तर चुनिए उत्तरों का मूल्यांकन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्तता के स्तर के आधार पर किया जाएगा नेक्स्ट इसे इंग्लिश में देखें देख लिया क्या है डायरेक्शंस 1 to 6 गिवन बिलो आर 6 आइटम्स ईच आइटम डिस्क्राइब्स ए सिचुएशन एंड इज फॉलोड बाय 4 पॉसिबल रिस्पॉन्सेस वही चार विकल्प दिए होंगे इंडिकेट द रिस्पॉन्स यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब चारों में से जो बेस्ट होगा उसका चुनाव आप लोगों को करना है चूज ओनली वन रिस्पॉन्स फॉर ईच आइटम मतलब एक से अधिक सही होने की स्थिति में भी आपको एक ही का चुनाव करना है
The response will be evaluated based on the level of appropriateness for the given situation. अब क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन आप लोग देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था कि बगैर क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन का आंसर सही निकालेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख ले इतना लंबा, अब इसे पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा सही आंसर निकालने के लिए। इधर देखें इंग्लिश में इतना लंबा दिया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन है, और हिंदी में देखेंगे तो ये इतना लंबा दिया हुआ है इधर, तो इतना आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शंस को देखेंगे और ऑप्शंस के आधार पर ही आपको सही उत्तर निकालने हैं। और ये क्वेश्चन आपका आईएएस 2013 में आया हुआ है। हाँ, इधर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है डिसीजन मेकिंग, इस बार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर कुछ साल से डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आया नहीं है, तो मेंटली आप लोग प्रिपेयर रहना इस बार के लिए, मतलब डिसीजन मेकिंग सीसेट में इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है आपका डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल स्किल। ये ऑप्शन बस देखिए क्वेश्चन नंबर वन का, ये ऑप्शन मैंने दिखला दिया, ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वेश्चन दिख जा रहा है ना, लाइट का देख लो, लाइट का स्विच कौन सा है, अब दिख जा रहा है ना, अब दिख रहा है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है देखें, कॉल हिम ओवर टू योर रूम एंड पर्सनली एक्सप्लेन व्हाई द अलॉटमेंट कैन नॉट बी डन, उसे अपने कमरे में बुलाएंगे और व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करेंगे कि आवंटन क्यों नहीं किया जा सकता। हम लोगों के पास खेलने के लिए अभी कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, एक्सप्लोइटेशन। क्या ऑप्शन ए में कहीं एक्सप्लोइटेशन दिखलाई दे रहा है आप लोगों को, नहीं दिखलाई दे रहा है, तभी से होल्ड में रखेंगे। अब ऑप्शन बी, अलॉट द हाउस टू हिम टू विन हिज लॉयल्टी, उसकी वफादारी जीतने के लिए उसे मकान आवंटित कर देंगे, अब देखें यहां पर टर्म क्या यूज कर रहा है, उसकी वफादारी जीतने के लिए उसे मकान आवंटित कर देंगे, दैट मीन्स आप उसे मकान दे देंगे तो जिसे मकान मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पाएगा। किसी का अगर अगला हकदार अगर उस मकान का है तो उसमें वफादारी जीतने का कोई मतलब प्रश्न ही नहीं उठता, दैट मीन्स वफादारी जीतने के लिए आप कर रहे हैं, अगला का वफादार बनने के लिए आप वैसा कर रहे हैं, दैट मीन्स आप किसी के साथ अन्याय करने जा रहे हैं। मान लो किसी का 20 रुपये मेरे पास निकलता है, मेरे से निकलता है, हम उसे 20 रुपये दे रहे हैं, इसमें वफादारी वाला कोई बात ही नहीं आता है। तो अब देखे दैट मीन्स जिसे मकान मिलना चाहिए उसे मकान नहीं मिल पाएगा, तो उस व्यक्ति का एक्सप्लोइटेशन होगा या नहीं होगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा सही होगा, गलत हो जाएगा, समझ आ रहा है। अब इसमें देखे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, एग्री विद द ऑफिस नोट टू शो दैट यू आर नॉट बायस्ड एंड दैट यू डू नॉट इंडल्ग इन फेवरेटिज, यह सिद्ध करने के लिए कि आप निष्पक्ष है और आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, कार्यालय टिप्पणी से सहमति व्यक्त करेंगे। क्या इसमें कहीं एक्सप्लोइटेशन दिखलाई दे रहा है आप लोगों को, तो अभी क्या करेंगे, इसे होल्ड में रखेंगे। नेक्स्ट डी पर आते हैं, कीप द फाइल विथ यू, कीप द फाइल विथ यू एंड नॉट पास एनी ऑर्डर, फाइल अपने पास पड़े रहने देंगे और कोई आदेश नहीं देंगे।
फाइल क्या इसमें एक्सप्लेनेशन दिखलाई दे रहा है? यस भाई, अपने पास फाइल को पड़े रहने देंगे और कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। सपोज अभी ठंड का मौसम है और मकान आवंटित होना है और फाइल अपने पास पड़े रहने देंगे, अगला को मकान नहीं मिलेगा, हो सकता है ठंड में वो व्यक्ति मर जाए मकान नहीं मिलने के कारण, छत नहीं होने के कारण ठंड में वो व्यक्ति मर जाए। तो अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ या नहीं हुआ? दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा क्या? नहीं होगा, तो दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। सिर्फ टर्म एक्सप्लॉयटेशन से, एक्सप्लॉयटेशन टर्म से दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। रिमेनिंग दो जो बच जा रहा है, कोई सा भी लगा दे, फुल मार्क्स आपको मिल जाना है, ए और सी। अभी हम बेस्ट ऑप्शन तक भी आप लोगों को लेते जाएंगे कि दोनों में से कौन सा आपका, किसे आपको बेस्ट लेना है। अभी हम उसे कंटेंट में लिखा भी देंगे। अच्छा, अब एक चीज, अभी एक तो हम लोग ये डी को हम लोग एक और तरीके से जान सकते हैं, उसे हम अभी लिखा देंगे, टाइम मैनेजमेंट। सपोज आपका क्लास है 5:15 बजे और हम आते हैं 5:45 बजे क्लास लेने, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा या नहीं होगा? फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा, ठीक है। क्यों फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा? क्योंकि काम ऑन टाइम नहीं हो रहा है। बाद में आप कोई और विद्यार्थी को रेफर करेंगे क्या कि जाकर के निश्चय है इसमें पढ़ो? नहीं करेंगे आप रेफर, समझ आ रहा है? तो देट मीन्स वाट, कि जो काम जिस समय होना चाहिए उस काम को उसी समय करना है। वर्क ऑन टाइम, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। दैट मीन्स टाइम मैनेजमेंट को लेना या नहीं लेना है? लेना है। टाइम मैनेजमेंट दैट मीन्स वर्क ऑन टाइम, वर्क ऑन टाइम को लेना है नहीं लेना है? लेना है। दैट मीन्स टाइम मैनेजमेंट को लेना है नहीं लेना है? लेना है। तो टाइम मैनेजमेंट को लेना है, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। वर्क ऑन टाइम हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी ये हो गया, उसे हम अभी वहां पर नोट करा देंगे राइट वाले साइड में। अब देखें, अब उसके बाद एक चीज, एक और क्या, साम दाम दंड भेद, इसे भी अभी हम लिखा देंगे। तो साम दाम दंड भेद में साम का मतलब क्या होता है? साम का मतलब क्या होता है? समझा बुझा करके प्रेम पूर्वक। दाम मतलब क्या? अगला का जो, अगला को कीमत अदा करके। दंड मतलब क्या? सजा दे करके। और भेद मतलब क्या? फूट डाल करके, ठीक है। इसे हम अभी आगे लिखाएंगे। तो सबसे पहले, और साम दाम दंड भेद का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डिजायर्ड गोल को हासिल करने के लिए, जो चाहिए उसे हासिल करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले किसका अप्लाई करना है? साम का। सबसे पहले किसका अप्लाई करना है? साम का। तो अब आप देखें कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में ज्यादा प्रेम पूर्वक कौन सा है। तो दोनों में जो ज्यादा प्रेम पूर्वक होगा वो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब ए में क्या है? कॉल हिम ओवर टू योर रूम, मतलब उसे अपने कमरे में बुलाएंगे, एंड पर्सनली एक्सप्लेन, और व्यक्तिगत रूप से एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे व्हाई द अलॉटमेंट कैन नॉट बी डन, मतलब उसे क्यों नहीं मिल सकता, मतलब लॉजिकली आप उसे समझाएंगे व्यक्तिगत रूप से, मतलब पर्सनली उसे बुला करके। तो यहां पर क्या है? सामूहिक तरीका है, प्रेम पूर्वक आप घर में बुला रहे हैं। अब यहां पर देखिए, एग्री विद द ऑफिस नोट, ऑफिस नोट मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उससे आप खुद को एग्री करेंगे, टू सो दैट यू आर नॉट बाइस्ड एंड दैट यू डू नॉट इंडल्ग इन फेवरेटिज, मतलब आप पार्शियलिटी नहीं करते हैं, ठीक है, और मतलब उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो राइट ये भी है, राइट ये भी है, बट ज्यादा प्रेम पूर्वक किसमें, इसमें है या इसमें है? ए में है। इसमें तो आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स को अगला से फॉलो करवा रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं? रूल्स को अगला से फॉलो करवा रहे हैं, प्रेम पूर्वक समझा बुझा करके, प्रैक्टिकली लॉजिकली चीजों को बतला करके। अब बहुत सारा घर में आप देखते होंगे, फादर भी अपने जगह पर सही होता है, सन भी अपने जगह सही होता है, लेकिन फिर भी दोनों में नहीं बनता है। ऐसा बहुत सारा केसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि फादर पुत्र को नहीं समझता है, क्या करता है वो समझाने का काम, पुत्र को समझाने का काम करता है, पुत्र जो वो चाहता है वो चीज समझाने का काम करता है, पुत्र फादर को नहीं समझता है, वो भी समझाने का काम करता है। तो दैट मीन्स जब आप वो बात करेंगे जिससे अगला को समझ आ जाए, जिससे अगला को समझ आ जाए, तो अगला अगला खुद ब खुद आपके क्या हो जाएगा? अनु
कुलित हो जाएगा, और सामने वाला से वो तरीका अगर आप अपनाते हैं जिससे कि सामने वाला को समझ आ पाने में डिफिकल्टी हो, तो वो आसानी से आपके अनुकूलित नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो इसमें क्या कौन सा रास्ता अपनाया जा रहा है? अनुकूलन वाला जा रहा है इसमें अपनाया जा रहा है या इसमें? ए में अपनाया जा रहा है। इसमें क्या है? कॉल हिम ओवर टू योर रूम, अपने रूम में बुलाएंगे एंड पर्सनली एक्सप्लेन, और उसे एक्सप्लेन करेंगे व्हाई द अलॉटमेंट कैन नॉट बी डन, मतलब उसे वो मकान क्यों नहीं मिल सकता है, लॉजिकली बतलाएंगे। अब अगला का लॉजिक को बस क्लियर कर दीजिए, अगला आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं। इसमें क्या अगला का लॉजिक को क्लियर किया जा रहा है? नहीं। और अगला से काम करवाने का प्रयत्न, मतलब अगला का लॉजिक नहीं क्लियर कराया जा रहा है और डिजायर्ड गोल को हासिल किया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? अगला सामने वाला के खिलाफ जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। यहाँ क्या? एग्री विद द ऑफिस नोट, मतलब जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसे एग्री करेगा अगला। टू शो दैट यू आर नॉट बाइस्ड एंड दैट, मतलब ये ऊपर वाला को शो करने के लिए, अपने ऊपर का बॉस को शो करने के लिए क्या पार्शियलिटी नहीं करते। एंड दैट यू डू नॉट इंडल्ज इन फेवरेटिज्म, और आप फेवरेटिज्म में मतलब इन्वॉल्व नहीं होते। तो इससे आप अपने से ऊपर वाले को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट जो मकान का डिमांड कर रहा है आपसे उसे तो आप लॉजिकली सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है? और जो मकान का डिमांड कर रहा है और अगला अगर हकदार नहीं है, तो आपको लॉजिकली किसे सेटिस्फाई करना है? जो मकान का डिमांड कर रहा है बगैर हकदार हुए। समझ आ रहा है? इसीलिए सी के कंपैरिजन में ज्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। या दोनों को आप इक्वली राइट कह सकते हैं, बट एक का चुनाव करना पड़ेगा, तब किसका चुनाव करेंगे? सी और ए में से एक। तीन सौ में तो आपका जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी तो ऐसे ही आपके पास नहीं आएगा। जो आपके पास मकान के लिए, अब मतलब जो मकान के लिए आपको बार बार फोर्स कर रहा है, सिर्फ उसे डील करना है। समझ आ रहा है? हाँ। बी का अलॉट द हाउस टू विन हिज लॉयल्टी, उसकी वफादारी जीतने के लिए उसे मकान आवंटित कर देंगे। अब यहां पर अच्छा होगा या बुरा होगा ये मेंशन है क्या? मेंशन नहीं है। तो क्या अच्छा कंसीडर करना है? नहीं कंसीडर करना है, मतलब आपको ऑल पॉसिबल आउटकम को लेते हुए चलना है। और किसी कोई डाउट्स? नहीं ना। अब देखें हम लोग क्या किए यहां पर, क्वेश्चन का भाव को, क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज में लिखा होगा उसका भाव को हम लोग ऑप्शन से ही मतलब जान लिए। अब क्वेश्चन को पढ़ करके देखें, अभी और क्लियर हो जाए क्वेश्चन को, अभी से पढ़ करके करें, तो आप देखेंगे यही आंसर तक आप पहुंचेंगे। अभी हम जो भाव हम लोगों ने फाइंड आउट किया वही भाव तक आप लोग पहुंचेंगे। तो हिंदी को ही दिखलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बहुत डिफिकल्टीज होगा समझने में। अब देखें, या चलो एक एक बार दोनों को ही दिखला, इंग्लिश को पढ़ करके हिंदी में इसको समझा देते हैं। यू आर द हेड ऑफ योर ऑफिस, आप अपने ऑफिस का क्या है? हेड। देयर आर टू सर्टेन हाउसेज रिजर्व फॉर द अलॉटमेंट टू द ऑफिस स्टाफ एंड यू हैव बीन गिवेन द डिस्क्रिशन टू डू सो। ए सेट ऑफ रूल्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द हाउसेज हैज बीन लेड डाउन बाय यू एंड हैज बीन मेड पब्लिक। योर पर्सनल सेक्रेटरी हु इज वेरी क्लोज टू यू कम्स टू यू एंड प्लीड्स दैट एज हिज फादर इज सीरियसली इल ही शुड बी गिवेन प्रायोरिटी इन अलॉटमेंट ऑफ ए हाउस। द ऑफिस सेक्रेटेरिएट दैट एग्जामिन्ड द रिक्वेस्ट एज पर द रूल्स टर्न्स डाउन द रिक्वेस्ट एंड द रिकमेंडेशंस द प्रोसीडर टू बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। यू डू नॉट वॉन्ट टू एनॉय योर पर्सनल सेक्रेटरी इन सच सर्कमस्टांसेस, वट वुड यू डू। ठीक है, हिंदी में देख ले, आप कार्यालयाध्यक्ष है, कुछ मकान कार्यालय कर्मियों को आवंटित करने के लिए सुरक्षित रखे गए हैं और आपको इस मामले में विवेकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, मतलब विवेकाधिकार मतलब आप जो चाहे कर सकते हैं। मकानों के आवंटन के लिए कुछ नियम आपके द्वारा बनाए गए हैं, आप आवंटन के लिए खुद कुछ नियम बनाए हैं और उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया, और उस नियम को क्या पब्लिक कर दिया गया है। आपका निजी सचिव जो आपके बहुत निकट है आपके पास आता है और पैरवी करता है,
कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार है, अतः उसे मकान के आवंटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, कार्यालय सचिवालय नियमानुसार इस प्रार्थना का परीक्षण कर उसके अनुरोध को ठुकरा देता है। अब कार्यालय सचिवालय नियमानुसार इस प्रार्थना का परीक्षण कर उसके अनुरोध को ठुकरा देता है, कहने का मतलब क्या वो नियम के अकॉर्डिंग क्या है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। समझ आ रहा है, वो उस मकान का हकदार अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, इसका ये मतलब निकल रहा है। और नियमानुसार प्रक्रिया अपनाने की संतुष्टि करता है, अतः अपने निजी सचिव को नाराज नहीं करना चाहते। इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? मतलब आपका जो निजी सचिव है वो अकॉर्डिंग टू लॉ उस मकान का हकदार नहीं है और आप उसे नाराज नहीं करना चाहते, इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? यही है, समझ आ रहा है। तो अब देखे, अब अगर क्वेश्चन में ये चीज नहीं भी लिखा होता कि आप नाराज नहीं करना चाहते, तब भी आप उसी ऑप्शन तक पहुंचे, क्योंकि आपको, क्योंकि आप लोग देखेंगे जो सिपाही होगा उसको आपको ज्यादा, वो उससे आप मिलेंगे तो ज्यादा तेवर दिखेगा, अगर वो ज्यादा तेवर दिखलाएगा सिपाही, उसके ऊपर दरोगा उसे थोड़ा कम तेवर दिखलाएगा, उसके ऊपर आप चल जाए डीएसपी के पास, जब आप जाएंगे तो वो दरोगा से कम तेवर दिखलाएगा, और एसपी डीएम ये सब के पास आप जाएंगे तो उसका तेवर सबसे कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो सुलझा हुआ व्यक्ति होता है, पढ़ाई वो इस तरह का करता है कि उसका माइंड ऑटोमेटिक सुलझ जाता है। आप लोग जैसे आईएएस बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कितना तरह का चीजें आपको सीखने के लिए मिल रहा है, तो आपका मस्तिष्क क्या होगा, सुलझ जाएगा एक समय के बाद, और उसके बाद जब कोई भी आएगा आपके पास तो आप चाह करके भी रूढ़ नहीं हो पाएंगे। समझ आ रहा है? तो अब देखे, और ऐसे भी आप क्या बनने जा रहे हैं, क्या बनने जा रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट तो बनने जा रहे हैं, मतलब जिस जिला के आप डीएम होंगे उस जिला में सभी जो जनता होंगे उसका आप क्या होंगे, नौकर होंगे। तो नौकर का व्यवहार मालिक के साथ कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। अब देखें, तो सबसे पहले आप साम दाम दंड भेद में किसका पहले प्रयोग करेंगे? साम का। अब देखें, तब इससे भी अगर हम ऑप्शन निकालते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन में कॉल हिम ओवर टू योर रूम, उसे अपने रूम में बुलाएंगे, पर्सनली एक्सप्लेन बाय द अलॉटमेंट कैन नॉट बी डन। क्योंकि आप, हम लोगों ने भी पढ़ा क्वेश्चन को, उसके हिसाब से क्या दिखा कि आप नाराज नहीं करना चाहते सामने वाला को, तो नाराज नहीं करना चाहते तो पर्सनली उसे बुला करके लॉजिकली समझाएंगे, तब तो उसका नाराजगी दूर होगा। तो वही है, कॉल हिम ओवर टू योर रूम एंड पर्सनली एक्सप्लेन बाय द अलॉटमेंट कैन नॉट बी डन, उसे अपने कमरे में बुलाएंगे और व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करेंगे कि आवंटन क्यों नहीं किया जा सकता। समझ आ रहा है? अब ऑप्शन बी में क्या है, एलोड द हाउस टू हिम टू विन हिज लॉयल्टी, उसकी वफादारी जीतने के लिए उसे मकान आवंटित कर देंगे। अब उसे आवंटित कर देंगे, वो अकॉर्डिंग टू लॉ हकदार है क्या उस मकान का? नहीं है। तो उसे आप अगर अलॉट कर देते हैं तो जिसे मकान मिलना चाहिए उसका क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। तो वही सेंस निकल रहा है यहाँ भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी, जो सेंस पहले हम लोगों ने निकाला। अब उसके बाद देखिए, एग्री विद द ऑफिस नोट टू शो दैट यू आर नॉट बाइज्ड एंड दैट यू डू नॉट इंडल्ग इन फेवरेटिज्म, यह सिद्ध करने के लिए कि आप निष्पक्ष है और आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, कार्यालय टिप्पणी सहमति व्यक्त करेंगे, ये भी राइट होगा, बट ये सेकेंड बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके कंपेरिजन में ए वाला ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा प्रेम पूर्वक है। एंड डी कीप द फाइल विथ यू एंड नॉट पास एनी ऑर्डर, ऑर्डर पास नहीं करेंगे तो जिसे मिलना चाहिए, जिस समय मिलना चाहिए उस समय नहीं मिल पाएगा और उसका क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। तो निष्कर्ष तो वही निकला जो बगैर क्वेश्चन पढ़े हम लोगों ने निकाला था। तो यहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कर रहे हैं भाव का, बगैर क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन में क्या लिखा है इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, किससे? ऑप्शन के ही माध्यम। सेम टेक्निक का अप्लाई करेंगे हम पैसेज में, बगैर पैसेज पढ़े ऑप्शन से ही पैसेज में क्या कंटेंट दिया होगा ये समझने का प्रयास करेंगे, और एडिशनल उसमें क्रिटिकल रीजनिंग का टेक्निक अप्लाई करेंगे बस। तो अब इसमें देखें, जैसे इसमें कुछ बेसिक एलिमेंट लिखाएंगे, पैसेज में भी कुछ बेसिक एलिमेंट लिखाएंगे। तो अब इसमें कुछ और पॉइंट, वन में किसी कोई दिक्कत? अब इसमें कुछ पॉइंट्स आप लोगों को लिखा दे रहे हैं, जैसे एक एक्सप्लॉयटेशन तो मैंने लिखा दिया था, अब एक्सप्लॉयटेशन के बाद नेक्स्ट इधर राइट वाला और इधर रॉन्ग वाला लिखा था ना। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या यूज किया था मैंने इस क्वेश्चन में, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट को लेना है नहीं लेना है? लेना है। जो ऑप्शन में टाइम मैनेजमेंट देखे वो ऑप्शन राइट होगा, टाइम
मैनेजमेंट। तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है? जो कार्य जिस समय होना चाहिए उसे उसी समय में करना, उसी समय में पूरा करना, दैट मीन्स वर्क ऑन टाइम, वर्क ऑन टाइम। हिंदी में लिख रहे जो कार्य जिस समय होना चाहिए उसी समय करना। समझ आ गया? अब इसमें एक और टर्म का मैंने इस्तेमाल किया था, क्या? साम दाम दंड भेद। अब साम दाम दंड भेद को समझेंगे। तो साम दाम दंड भेद को लेना है या नहीं लेना है? लेना है, तो इसे भी राइट वाली साइड में लिखेंगे, साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद। तो इसमें सबसे पहले हम लोग, अच्छा, ये साम दाम दंड भेद में सबसे पहले हम लोग समझेंगे साम। साम का मतलब क्या होता है? प्रेम पूर्वक, विथ लव, ठीक है, समझा बुझा करके। दाम, दाम का मतलब क्या होता है? दाम का मतलब थ्रू पेमेंट, कीमत अदा करके। दाम मतलब थ्रू पेमेंट, थ्रू पेमेंट, कीमत अदा करके। हाँ, एक तरह का लालच ही, लालच भी हो सकता है या ओरिजिनल कीमत भी हो सकता है। जैसे हम लोग सब्जी में क्या होता है, दुकान मार्केट जाते हैं, भैया इसका कितना दाम है, वो बतलाता है आपको, समझ आता है आप खरीदते हैं नहीं, समझ आता है नहीं खरीदते हैं, तो प्राइस अलग अलग जगह पर अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो देट मीन्स दाम थ्रू पेमेंट, अगला कितना डिमांड कर रहा है, आप कितना दे पाने हैं तो सक्षम है, ठीक है। तो समझ आ गया दाम। अब दंड, दंड मतलब क्या, एक तरह पनिशमेंट, बाई पनिशमेंट। पनिशमेंट सजा दे करके, और भेद, भेद का मतलब क्या, फूट डाल करके, थ्रू डिवीजन, थ्रू डिवीजन। फूट डाल करके, जैसे आप लोग जब रॉबर्ट क्लाइव का एंट्री हुआ था, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में रॉबर्ट क्लाइव का एंट्री हुआ था, तो वो किस थ्योरी के लेकर के एंटर किए थे? फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो वही डिवाइड, यहाँ पर डिवीजन का वही मतलब है, थ्रू डिवीजन। तो ये तो ऑर्डिनरी मतलब मैंने बता दिया। अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज इधर लिख देते, ठीक है, राइट रो, ठीक है। इसके बाद यहां के बाद यहां से लिखना आरंभ करना। तो सपोज ये क्या है, इंग्लैंड, और ये क्या है, इंडिया। इसमें जनसंख्या इतना है, इसमें जनसंख्या इतना है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, साम दाम दंड भेद का अप्लाई किस में करना है, डिजायर्ड गोल को हासिल करने ही, ठीक है। तो अब ये इसका भी कुछ डिजायर्ड गोल होगा, इसका डिजायर्ड गोल क्या है, इसे अपना गुलाम बनाना, और इसके लिए ये किसका इस्तेमाल करेगा, इस कॉन्सेप्ट का, साम दाम दंड भेद का। तो सबसे पहले ये किसका प्रयोग करेगा, साम का। तो व्यापार कर, साम मतलब प्रेम पूर्वक, तो प्रेम पूर्वक दैट मीन्स स्टार्टिंग में ये किस लिए आया था इंडिया, व्यापार करने। स्टार्टिंग में किस लिए इंडिया आया था, व्यापार करने के लिए, डिफरेंट जो ये
बहुत सारे जो राजा होते थे उनसे अपना कोलेब्रेशन पहले स्थापित किए, बट क्या ये प्रेम पूर्वक चाहेगा इसे गुलाम बनाना, तो क्या ये गुलामी स्वीकार करेगा? कोई प्रेम पूर्वक आपसे कहेगा मेरा गुलाम बन जाओ, तो क्या आप गुलाम बनेंगे? कोई और तरीका डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से कोई सा भी तरीका प्रेम पूर्वक अगर कोई अपनाता है वो डिजायर्ड गोल को हासिल करने के लिए, तो क्या आप अगला का डिजायर्ड गोल को पूरा होने देंगे? नहीं। तो इनका पहला ये जो साम वाला तरीका है ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, बस कोऑर्डिनेशन तक ही सीमित रह जाएगा। अब साम अगर काम नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट ये किस स्टेप पर आएगा? दाम, कीमत अदा करना। क्या कोई कीमत अदा करेगा फिर भी आप गुलाम बनना चाहेंगे? नहीं। अब देखें बट ये अगर कीमत अदा करे तो कुछ क्या होगा, इसके सेना में भर्ती हो जाएगा। सेना में भर्ती हुआ था या नहीं? तो सपोज इतना चला गया इधर को, समझ आ रहा है? थ्रू मतलब ये दाम वाला टेक्निक, ये इधर सेना में भर्ती हो गया, क्योंकि इंडियन से इंडियन भी तो फाइट किया था, मतलब ये जो ब्रिटेन का ये सेना में थे, तो अब इसका शक्ति पहले से बढ़ गया या घट गया? ये उतना ही है, बढ़ गया। तो दाम, बट अभी भी क्या इसका शक्ति इंडियन से ज्यादा है? नहीं, इंडियन ज्यादा है। तो इसका दाम टेक्निक भी काम नहीं किया भारत को गुलाम बनाने में। तो नेक्स्ट ये किस पर आ जाएगा? दंड। क्या ये दंड दे पाने के कंडीशन में है? नहीं। दंड कौन देता है? जो मजबूत स्थिति में होता है, जो मजबूत स्थिति में होता है। अगर चूहा चाहेगा शेर को दंड देना तो चूहा शेर को दंड दे पाएगा क्या? बकरी चाहेगा शेर को दंड देना तो बकरी शेर को दंड दे सकता क्या? नहीं। बट शेर बकरी को दंड दे सकता है, बट एक्सेप्शन को नहीं देखना है, एक्सेप्शन को नहीं देखना है। अब देखे तो दैट मीन्स ये क्या है, दंड दे पाने के कंडीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका शक्ति इंडियन से अभी कम है, तो दंड मेथड भी इसका काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट ये किस पर आ जाएगा? भेद पर। भेद, तो भेद को आपको समझना पड़ेगा कि भेद, ये जो फूट डालना है, डिवीजन है, ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ठीक है? ये आपको जानना पड़ेगा। तो इसके लिए जानना पड़ेगा सबसे पहले कि दो व्यक्ति में मित्रता होने के पीछे क्या लॉजिक काम करता है। दो व्यक्ति एक दूसरे के नजदीक कब आते हैं? तो दो व्यक्ति एक दूसरे के नजदीक कब आते हैं? जब दोनों में इंटरेस्ट मैच करे या फिर दोनों में फिलोसफी मैच करे, ठीक है? इंटरेस्ट मैच करने का मतलब क्या है? मुझे जो चाहिए वो किसके पास होना चाहिए? अगला के पास। अगला को जो चाहिए वो किसके पास होना चाहिए? मेरे पास, ठीक है? तो आप एग्जांपल इसका हम लोग ये ले सकते हैं कि अभी कहां पर खड़ा है? निश्चय आईएएस में। अभी कहां पर खड़े हैं? निश्चय आईएएस में। तो मेरा जो निश्चय आईएएस से नजदीकी है इसके पीछे क्या लॉजिक काम कर रहा है? निश्चय आईएएस को क्या चाहिए? निश्चय आईएएस को क्या चाहिए? मतलब टीचिंग में क्वालिटी। निश्चय आईएएस को क्या चाहिए? टीचिंग में क्वालिटी। मुझे क्या चाहिए? पैसा। तो मुझे क्या चाहिए? पैसा। तो जो अगला को चाहिए वो मेरे पास है, जो मुझे चाहिए अगला के पास है। हम लोग दोनों एक दूसरे के नजदीक आए या नहीं? अब देखें आप लोग निश्चय आईएएस के नजदीक क्यों हैं? मतलब आपके और निश्चय आईएएस के बीच नजदीकी के पीछे क्या लॉजिक काम कर रहा है कि आपको जो चाहिए वो किसके पास है? निश्चय आईएएस के पास है। निश्चय आईएएस को जो चाहिए वो किसके पास है? आपको, आपके पास है, ठीक है? आपको चाहिए टीचिंग सर्विसेज, निश्चय आईएएस के पास है। निश्चय आईएएस को चाहिए पैसा, वो आपके पास है। तो दोनों का इंटरेस्ट क्या हुआ? मैच किया। दोनों का इंटरेस्ट मैच किया तो दोनों पक्ष क्या एक दूसरे के नजदीक है, समझ आ रहा है? अब देखे दूसरा फिलोसॉफी। फिलोसॉफी कहने का मतलब क्या? विचारधारा से। फिलोसॉफी कहने का मतलब क्या? विचारधारा से है। तो आप लोग देखते होंगे कि मतलब एक विचारधारा टाइप वाले व्यक्ति को आप एक जगह पर देखते होंगे। इसके एग्जांपल आप लोग जैसे रिलीजन से, कास्ट से और भी डिफरेंट तरह की चीजों से ले सकते हैं। जनरली आप देखेंगे कि एक रिलीजन टाइप वाला व्यक्ति एक ही एरिया में होता है, मतलब 70% मान करके चले। 70% हिंदू पॉपुलेशन क्या हिंदू के ही बीच में, 70% मुस्लिम पॉपुलेशन मुस्लिम के बीच में, और भी डिफरेंट रिलीजन आप ले ले, तो दैट मीन्स होता क्या है कि वो अपनों के साथ कंफर्ट फील करता है, मतलब अपने टाइप वाले व्यक्ति के साथ, समझ आ रहा है?
अब इंसान एक साथ रहता है, अब मान लो इंसान और शेर एक साथ रहता है क्या? इंसान और शेर एक साथ नहीं होता, शेर इंसान को खा जाएगा। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि दोनों का विचारधारा अलग अलग है, दोनों अलग टाइप का, मतलब अलग टाइप से बिलोंग करते हैं। तो अब कहने का मतलब फिलोसोफी का मैच करना, दैट मीन्स विचारधाराओं का मैच करना। तो आप अगर चाहते हैं कि कोई आपके नजदीक आए, आप अगर चाहते हैं कोई आपके नजदीक आए तो आपको क्या करना है? पहला तो ये जानना है कि अगला को जरूरत किस चीज का है, अगला को जरूरत किस चीज का है। आप सो करें कि आपके पास वो चीज है, भले आपके पास ना हो, अगला। अब उसके बाद अगला के विचारधाराओं को जाने कि वो किस विचारधारा से बिलोंग करता है, ठीक है? उसके माइंड में किस तरह का विचारधारा इंस्टॉल्ड है। आप क्या करें, अपने उन्हीं विचारधाराओं को सामने वाला के पास रिफ्लेक्ट करें जो सामने वाला का भी विचारधारा है। समझ आ रहा है? तो सामने वाला आपकी तरफ खींचने लगेगा। अब देखें तो यहां पर हम लोगों को जानना क्या है, भेद, ठीक है? तो भेद कैसे उत्पन्न होगा? अब भेद कैसे उत्पन्न होगा? इंटरेस्ट मैच होने से क्या होता है, दो व्यक्ति एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो इंटरेस्ट में यदि आप क्लेश उत्पन्न करा देते हैं तो दो व्यक्ति एक दूसरे से क्या होगा, दूर जाएगा। या दो व्यक्ति का फिलोसोफी में क्लेश उत्पन्न करा देते हैं तो फिर दो व्यक्ति एक दूसरे से दूर जाएगा। मतलब दो व्यक्ति के विचारधाराओं में क्लेश उत्पन्न करा देते हैं तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से दूर जाएगा। समझ आ रहा है? तो अब यहां पर देखे, अब ये इसके पास नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है क्या, भेद नीति। पुराना तीनों का इस्तेमाल कर चुका है ये, तभी भेद का अप्लाई कैसे करेगा इंडियंस पर? मतलब ये ऐसा क्या करेगा रातों रात कि इंडियंस आपस में एक दूसरे को काटने लगे। तो सपोज ये क्या है, मंदिर, ये क्या है, मस्जिद। अब ये यदि मस्जिद में सुअर काट के टांग देता है और मंदिर में गाय काट के टांग देता है तो दूसरा दिन क्या होगा, सुबह होते ही क्या इंडियंस को पता चलेगा कि ये कांड करने वाला ये है? नहीं, इंडियंस क्या करेगा, एक दूसरे को काटने लगेगा। समझ आ रहा है? रिलीजियस ग्राउंड पर। अब मान लो इतना इंडियंस इसमें खत्म हो जाता है, ठीक है, इस नीति के कारण। अब इंडियंस कितना बच गया, इतना, ये कितना है, इतना। अब ये दंड दे पाने की कंडीशन में है या नहीं है? अब ये इसे गुलाम बना सकता है या नहीं बना सकता है? समझ आ रहा है? तो अब यहां पर देखे, साम दाम दंड भेद किस केस में इसे लेना है और किस केस में इसे नहीं लेना है। तो इसे यहां पर ऐसे करके लिखे, ये ड्रॉ करने के बाद, पाथ एंड पर्पस, पाथ एंड पर्पस, पाथ एंड बोथ शुड बी गुड, पाथ एंड पर्पस बोथ शुड बी गुड, मार्ग और लक्ष्य दोनों अच्छा होने चाहिए, मार्ग और लक्ष्य दोनों अच्छा होने चाहिए। तो क्या इनका मार्ग सही था, क्या इनका मार्ग सही था? नहीं, मार्ग में मास डिस्ट्रक्शन, ये इधर खत्म हुआ, ये इधर, मतलब वगैरह वगैरह मास डिस्ट्रक्शन हुआ, मतलब बड़ा पैमाने पर एक्सप्लोइटेशन हुआ। तो मार्ग इसका सही नहीं था। अब क्या इसका जो उद्देश्य है वो क्या सही है, वो भी सही नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है, इंडियंस को गुलाम बनाना, तो इसका उद्देश्य भी सही नहीं है। तो जब पाथ या मार्ग दोनों में से एटलीस्ट कोई एक सही ना हो, साम दाम दंड भेद नीति को नहीं लेना है। समझ आ रहा है? तो मैंने इसलिए यहां लिख दिया, पाथ एंड पर्पस बोथ शुड बी गुड, अगर वो दोनों सही है तो इसे लेना है। अब हम लोग जो क्वेश्चन किए उसमें क्या पाथ और पर्पस गुड था या बेड था,
जो क्वेश्चन अभी किया था क्वेश्चन नंबर वन दोनों ही सही था, उसमें एक्सप्लोइटेशन था क्या पैथ और पर्पस में नहीं था। तो आप देखें जैसे कुछ एग्जांपल जिसमें पाथ एंड पर्पस दोनों आपको गुड दिखाई देगा, जैसे चाणक्य भी साम दाम दंड भेद नीति का अप्लाई किए और साम दाम दंड भेद नीति के ही दम पर चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनाए, शासक बनाए। अब उसके बाद आप लोग देखेंगे तो साम दाम दंड भेद नीति का चाणक्य नहीं और भी बड़े बड़े प्लेयर ये इस्तेमाल किए, जैसे श्री राम भगवान भी साम दाम दंड भेद नीति का अप्लाई किए, कैसे। अब ये आप लोग देखें तो रावण का वध हुआ, क्या राम भगवान रावण से ज्यादा शक्तिशाली थे? नहीं, रावण का वध हुआ कैसे, भेद उत्पन्न करा के। वहां पर किसके किसके बीच भेद उत्पन्न कराया गया, रावण और विभीषण के बीच। और भेद हमेशा उत्पन्न होता है, मतलब भेद उत्पन्न कराने का जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, लालच। लालच किसे मिला, विभीषण को। क्या लालच मिला विभीषण को, कि रावण का लंका तुम्हारा। वो किसके खिलाफ खड़ा हो गए, रावण के खिलाफ खड़ा हो गए। समझ आ रहा है? तो अब देखें बाली का वध कौन किए, राम भगवान। तो उसमें राम भगवान छुप करके बाली का वध किए थे। तो बाली का वध क्या राम भगवान कर पाने के कंडीशन में थे, क्या राम भगवान के पास उतना शक्ति था कि वो बाली का वध कर सके? नहीं। और क्यों नहीं कर सकते थे राम भगवान बाली का वध, क्योंकि बाली से जो भी युद्ध करने जाता तो उसका आधा शक्ति किसके पास चला जाता था, बाली के पास चला जाता था। तो बाली को हराना क्या था, मुश्किल था। तो अब देखे बाली का वध हुआ, वहां पर भी भेद उत्पन्न हुआ, किसके किसके बीच, सुग्रीव और बाली के बीच। और किसका इस्तेमाल किया गया इसमें, लालच का। लालच किसे मिला, सुग्रीव को। क्या लालच मिला, छीना हुआ राजपाट फिर से वापस मिलने का, तो वो राम भगवान का साथ दिए। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे पाथ और पर्पस। अब एक पाथ और पर्पस गुड था या नहीं, अब एक चीज ध्यान रखना, कोई सब चीज इलॉजिकल नहीं होता है। अब राम भगवान वहां अगर सुग्रीव को राजपाट दिए खुद विजय हासिल करके, और ये विभीषण को लंका दे दिए खुद विजय हासिल करके, तो ये बेवजह नहीं है, बेवजह कुछ भी नहीं होता, एवरी इफेक्ट है जो कॉज, ये रीजनिंग का डिफिनेशन में मैंने बताया था। अब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको बतलाना है कि वजह क्या था राम भगवान का ऐसा करने के पीछे। चलो अभी इसके पीछे का वजह थोड़े देर में बतलाते हैं, पहले इसके पहले वाला सीन को बतलाते हैं। राम भगवान को राज्य मिलने वाला था, राम भगवान को साम्राज्य मिलने वाला था, और एक दिन बाद फिर क्या डिसीजन लिया गया, साम्राज्य किसे मिलना है, भरत को। राम भगवान वनवास को चले गए, भरत के खिलाफ खड़ा नहीं हुए। राम भगवान चाहते तो साम्राज्य को लड़ करके हासिल कर सकते थे, जनता उसके साथ था। समझ आ रहा है? बट फिर भी राम भगवान ऐसा नहीं किए, वो अपने साम्राज्य को छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। क्यों ऐसा, क्यों, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको आंसर देना है। और बाद में भरत क्या उस साम्राज्य को लिया, नहीं, वो भाई के लिए रख दिया। क्यों ऐसा, अब भरत क्यों नहीं लिया उस साम्राज्य को, और राम भगवान वनवास के लिए क्यों निकल गए, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको आंसर देना है। सारा समीकरण का आपको आंसर पता चल जाएगा, एज अ कॉमन पीपल नहीं। क्योंकि यदि राम भगवान उस साम्राज्य को ले लेते, यदि अब देखे यदि राम भगवान साम्राज्य को लेते, भरत के साथ फूट डलने का संभावना उत्पन्न होता, भरत और राम अलग होता। अगर भरत साम्राज्य को ले लेता तो भरत और राम के बीच वहां पर भेद उत्पन्न होने का संभावना बनता। अब होता क्या, वो कमजोर पड़ जाता, बाद में कोई और राज्य वाला आके आक्रमण करता और उस राज्य को हथिया लेता। समझ आ रहा है?
क्योंकि आप पर आक्रमण कब होगा, जब आप कमजोर पड़ेंगे। अब उसके बाद देखे जब तो वहां पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने ऊपर खेद को अप्लाई होने नहीं देते, मतलब खुद के ऊपर फूट डलने नहीं देते जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वही अपने ऊपर भेद नीति का अप्लाई होने देते हैं, या जो कॉमन पीपल होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल नहीं, वो फूट नीति का अप्लाई दूसरे पर करते, खुद के ऊपर नहीं होने देते। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल थे। वो भेद नीति का अप्लाई दूसरा पर करते थे, क्या खुद के ऊपर होने देते थे? नहीं। चाणक्य क्या थे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल थे। वो भेद नीति का अप्लाई दूसरे पर करते थे, खुद पर होने देते थे? नहीं। राम भगवान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल थे। वो भेद नीति का अप्लाई दूसरे पर करते थे, क्या खुद पर होने देते थे? नहीं होने देते थे। तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल है या कॉमन पीपल है, आपको इससे भी आपको ये मालूम चल जाना चाहिए। अब फर्दर देखे राम भगवान, अच्छा अब तो यहां का सीन मैंने बता दिया। राम भगवान निकले थे, जीता हुआ राज्य किसे दे दिए? ये सुग्रीव को। उधर जीता हुआ राज्य किसे दे दिए? विभीषण को। क्यों? अब प्रश्न ये उठता है, पहला वाला में तो आपको दिखता है कॉमन पीपल, आप सोचते तो नहीं, फादर का वचन पालन करने के लिए राम भगवान वनवास को निकल गए, लेकिन देट इज नॉट लॉजिकल आंसर। एज एन मतलब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वाला आंसर वो नहीं होता, वो कॉमन पीपल टाइप का आंसर होता है कि नहीं चलो ये फादर का ये फादर से उनको लगाव था इसलिए वो छोड़ करके चले गए। अब नेक्स्ट अभी बता रहे अब बतलाए कि क्यों, मतलब सुग्रीव को ये क्यों ये राम भगवान सुग्रीव को दे दिया राज्य, मतलब ये बाली से जीता हुआ राज्य, और क्यों रावण से जीता हुआ राज्य वो विभीषण को दे दिया? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको आंसर देना। नेक्स्ट एनीबडी। अब देखे चूंकि राम भगवान का उद्देश्य था ही नहीं छोटा मोटा राजा बनना, एक रीजन, अगर छोटा मोटा राजा ही बनना होता तो उसको तो राज्य मिल ही रहा था, वो अपना राज्य छोड़ करके वनवास क्यों चल पड़े? क्योंकि उसे छोटा मोटा मतलब मुख्यमंत्री बनना उसका उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री बनना। समझ आ रहा है? वो वनवास को क्यों चले गए? क्योंकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था मुख्यमंत्री बनने में, प्रधानमंत्री बनने में उनका इंटरेस्ट था। प्रधानमंत्री बनने में कहने का मतलब उनका उद्देश्य क्या था? चक्रवर्ती सम्राट बनना। बाद में अश्वमेध यज्ञ भी किए होंगे, घोड़ा भी छोड़े होंगे, समझ आ रहा है? तो उनका उद्देश्य क्या था? चक्रवर्ती सम्राट बनना। तो ये एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वाला आंसर था, और वो जब वनवास को निकले तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनने का अलग अलग जगह पर फाउंडेशन डालते चले गए, और बाद में चक्रवर्ती सम्राट बने भी, बाद में चक्रवर्ती सम्राट बने भी, तो लॉजिक क्लियर हो गया। तो अब देखे तो यहां राम भगवान का पाथ क्या था? गुड था या बेड था? गुड था। पर्पस क्या था? गुड था या बेड था? गुड था। तो जब पाथ और पर्पस दोनों गुड हो तो साम दाम दंड भेद नीति को लेना है, और जब गुड ना हो तो इसे नहीं लेना। यूनिवर्सल गुड, यहां पर यूनिवर्सल गुड को लेना है, ठीक है। नहीं, दोनों ही सही होना चाहिए, जब दोनों सही होगा तब लेना है। हाँ, दोनों। अब देखे नहीं, मतलब जैसे यहां पर पाथ कहने का मतलब जो हुआ ठीक है वो सही था या नहीं, और जो उनका उद्देश्य था वो सही था या नहीं। आप अगर मान लो कैसे भी मारो किसी को, लॉ एक अलग, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल्स मानो, ये मतलब कैसे भी, मतलब अगर अगला, मतलब वो चीज है, कोई सा भी पाथ आप अपना लो, अगर आपको यहां से वहां जाना है और यहां से वहां जाना, अगर आपका यहां से वहां जाने के लिए कोई सा भी तरीका अपना लो, किसी का एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोइटेशन हो रहा है दैट मीन्स आपका पाथ क्या है? गड़बड़ है। अब बाली का वध हुआ ठीक है, उसमें किसी का एक्सप्लोइटेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। और बाली का वध होना चाहिए था या नहीं? होना चाहिए था, तो वो कैसे भी किया, चाहे
नियम से क्या हो या नियम के विरुद्ध क्या हो, दोनों ही स्थिति में वो सही है। समझ आ रहा है? पाथ पर्पस दोनों गुड होना चाहिए। अब जैसे पाथ का यहां पर आप लोग जैसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करके हम बता देते, आप लोग क्लियर हो जाएगा। मतलब जैसे कहने का मतलब, आप मजबूत अगर गलत है, आप कमजोर है, तो मजबूत को, मजबूत पर आप कब विजय हासिल कर पाएंगे? आप नियम से चलते रहेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। समझ आ रहा है? आप नियम तोड़ेंगे तभी तो आप कमजोर होकर के मतलब मजबूत पर विजय हासिल करेंगे। हाँ, तो आपका क्या है कि पाथ सही होना चाहिए और बस पर्पस, ये पर्पस सही होना चाहिए, बाद बाकी मतलब रूल्स रेगुलेशंस। जैसे कुछ के दिमाग में क्या होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो होना चाहिए, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, हमेशा सही नहीं होता है। मतलब जैसे आप लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट रूल्स होते हैं, क्या वो रूल्स हर समय हर कॉन्टेक्स्ट में सही होता है? अगर हर समय हर कॉन्टेक्स्ट में अगर वो सही होता तो अमेंडमेंट का जरूरत पड़ता क्या? नहीं, रूल्स अमेंड हो रहा है। मतलब रूल्स क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। रूल्स यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अमेंड होता है। अब डिफरेंट रिलीजन में जो कंटेंट लिखा हुआ है, क्या वो सारा का सारा कंटेंट सही है? नहीं है। अगर सारा का सारा कंटेंट सही होता है तो कोई मतलब, तो देट मीन्स रिलीजन को लेकर के इतना दंगा फसाद होता ही नहीं। समझ आ रहा है? तो रूल्स इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब रूल्स को आप ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सल ट्रूथ। समझ आ रहा है? तो रूल्स को आपको वो जो मापदंड है उसमें नहीं लेना है, बस पाथ और पर्पस को देखना है। तो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आप लोग ये एग्जांपल देखेंगे, ये भीष्म पितामह का एग्जांपल देखें, तो भीष्म पितामह क्या ये क्या करते थे वो, मतलब भीष्म पितामह, सबसे पहले ये जाने कि सबसे ऊपर आपको किसे रखना है, लॉजिक को या भाव को? सबसे ऊपर किसे रखना है, लॉजिक को, और लॉजिक के भी ऊपर किसे रखना है, भाव को। समझ आ रहा है? सबसे ऊपर लॉजिक, लॉजिक के ऊपर भाव, आप कभी फंसेंगे नहीं। राम भगवान भी फंस गए, ट्रैप में आए, और भीष्म पितामह भी ट्रैप में आए, क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर किसे रखते थे, लॉजिक, और लॉजिक का कनेक्शन किस, मतलब इन, मतलब लॉजिक किससे इन जनरल कनेक्टेड होता है, रूल्स, ठीक है। तो विभीषण क्या है, वो अपने लाइफ के लिए जो रूल्स बनाए उसको अंत तक नहीं तोड़े, तो बीच में क्या हुआ, उसके सामने उसके इच्छा के विरुद्ध द्रौपदी का वस्त्र हरण भी हुआ। क्या भीष्म पितामह चाहते थे कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हो? वो मृत्यु वाला जिंदगी जी रहे थे उस समय, लेकिन फिर भी वो रुके हुए थे, उसे कौन रोक रहा था, रूल्स, लॉजिक। समझ आ रहा है? अब उसके बाद देखेंगे राम भगवान अपनी पत्नी को छोड़ दिए, जबकि वो जानते थे कि उसकी पत्नी सही है, वो जो उसके दिमाग में एक जो पैटर्न बना हुआ, तो उस पैटर्न के आधार पर उसे अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, मतलब पत्नी के साथ वो गलत किए, राम भगवान अपना पत्नी के साथ गलत किए, भीष्म पितामह द्रौपदी के साथ गलत होने दिए। तो ये सब किस चीज का नतीजा था, लॉजिक का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का। कहने का मतलब वो सबसे ऊपर लॉजिक को रखे और लॉजिक के ऊपर भाव को नहीं रखे, इसलिए राम भगवान भी ट्रैप में आ गए और भीष्म पितामह भी ट्रैप में आ गए। लेकिन अब कृष्ण भगवान को देखेंगे तो वो क्या है, सबसे ऊपर लॉजिक को रखे और लॉजिक के ऊपर किसे रखे, भाव को। तब कृष्ण भगवान को कभी ट्रैप में फंसते हुए आप नहीं देखे होंगे। तो कृष्ण भगवान क्या थे, राम भगवान का अपडेटेड फॉर्म था। समझ आ रहा है? तो चूंकि भाव, जब आप सबसे ऊपर लॉजिक रखते हैं और लॉजिक के ऊपर भाव को रखते हैं, दैट मींस आप वहां पर अपना समझ का अप्लाई करते हैं, और कृष्ण भगवान हमेशा किसका अप्लाई करते हैं, अपना समझ का, और राम भगवान और भीष्म पितामह हम अपने समझ का हर परिस्थिति में अप्लाई नहीं करते हैं। अगर भीष्म पितामह अपना समझ के अप्लाई करते तो द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं होता, वो अकेले सबको निपटने के लिए वहां काफी थे। अब उसके बाद राम भगवान अगर समझ के अप्लाई करते तो अपनी पत्नी सीता को वनवास नहीं, मतलब ये त्याग नहीं करते, और राम भगवान लक्ष्मण को मृत्यु दंड भी दिए थे, तो राम भगवान लक्ष्मण को इक्विवेलेंट टू मृत्यु दंड नहीं देते अगर वो अपना समझ का अप्लाई करते तो। क्यों? क्योंकि आजीवन लक्ष्मण उनके साथ खड़ा रहा, उसके बावजूद भी राम भगवान लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिए। क्यों? क्योंकि वो अपना वचन, पैटर्न, ये सब पर बंधे रहे अंत तक, और वही वचन और डिफरेंट पैटर्न उनसे गलत कर्म करवाया, और उसे भीष्म पितामह से भी गलत कर्म कौन करवाया, वही पैटर्न और वचन वगैरह वगैरह। समझ आ रहा है? तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर किसे रखना है,
लॉजिक को, और लॉजिक के भी ऊपर किसे रखना है? भाव को. भाव दैट मीन समझ. समझ आ रहा है? आप कभी किसी ट्रैप में फंसेंगे ही नहीं. तो इसे मैंने और ज्यादा डिस्क्राइब करके समझा दिया. अब भी अगर कोई दिक्कत है तो बताए. नहीं ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. टू को पहले इंग्लिश में देख ले, फिर अभी हम इसे इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखला देते. अच्छा पहले ऑप्शन है, क्वेश्चन देखने नहीं, ऑप्शन सही कर रहे. रूल्स रेगुलेशन ये सब कहाँ से आता है? समझ से ही तो आता है. ये सब समझ का ही आउटपुट होता है. मान लो कोई आदमी सही से नहीं समझ पाया और रूल्स रेगुलेशन बना दिया, तो रूल्स रेगुलेशन बाद में ट्रबल क्रिएट करता है और उसी का अमेंडमेंट होता है. समझ आ रहा है? तो मेन रूल्स रेगुलेशन कैसे होगा? मेन तो समझ ही होगा. ये ऑप्शन दिया हुआ. अब इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़े और देखे कौन सा ऑप्शन सही होगा. ये देखेंगे अभी कि आप लोग सही ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं या नहीं, बेस्ट ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं या नहीं. ये आ रहा है आपका. चलो एक लाइन से देखते हैं. आप लोग ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? गो अप टू द काउंटर एंड आस्क द क्लर्क टू गिव बैक द मनी विच ही हैज इलीगली टेकन. काउंटर पर जाएंगे और लिपिक से वह धन वापस मांगेंगे जो उसने अवैध रूप से लिया है. ठीक है, तो इसमें क्या कितना टर्म बताया अभी मैंने आप लोगों को? तीन टर्म, एक्सप्लोइटेशन, टाइम मैनेजमेंट और साम दाम दंड भेद. तो क्या इसमें एक्सप्लोइटेशन दिखलाई दे रहा है? नहीं. क्या टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ दिखलाई दे रहा है इसमें? नहीं. मतलब अब इसमें क्या है, अभी इसका सही होने का संभावना है, तो इसे क्या करेंगे? होल्ड में रखेंगे. नेक्स्ट ऑप्शन बी. सबसे पहले दो ऑप्शन को रिजेक्ट करना है. तो यू डू नॉट इंटरफेयर एट ऑल एज दिस इज ए मैटर बिटवीन द टैक्सी ड्राइवर एंड द टैक्स अथॉरिटी. कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि यह मामला टैक्सी चालक और कर अधिकारियों के बीच का है. क्या यह होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें किसका एक्सप्लोइटेशन हो जाएगा अगर आप विरोध नहीं करते हैं? तो टैक्सी चालक का. टैक्सी चालक का एक्सप्लोइटेशन हो जाएगा. इसमें एक्सप्लोइटेशन आ रहा है इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा. मतलब इसमें क्या हो रहा है? टैक्सी चालक का एक्सप्लोइटेशन हो रहा है. जितना जितना उसे लगना चाहिए उससे ज्यादा अगला पे कर रहा है. तो दैट मीन्स इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन किसका हो रहा है? टैक्सी वाला का. और दैट मीन्स, और मैंने बताया था कि जो भी ऑप्शन में एक्सप्लोइटेशन हो रहा होगा वो ऑप्शन को नहीं लेना है. इसलिए यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. समझ आ रहा है? तो इससे एक टर्म और आप लोग समझे. गलत का विरोध करना है या नहीं करना है? करना है. आपको किस, आपको जो जॉब मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है? गलत का विरोध ही तो करने के लिए, सही को न्याय ही तो देने के लिए. तो हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले ये बताए. मान लो सपोज इस संस्थान को एक काउंसलर का जरूरत महसूस होता है, एक रिसेप्शनिस्ट का जरूरत महसूस होता है. तो रिसेप्शनिस्ट में ये देखा जाएगा क्या कि उसे कितना रीजनिंग आता है? नहीं. ये देखा जाएगा क्या उसे कितना मैथमेटिक्स आता है? ये देखा जाएगा क्या कि उसे कितना हिस्ट्री आता है? ये देखा जाएगा क्या कि उसमें काउंट से उसमें इंक्वायरी को एडमिशन में कन्वर्ट करने का कितना क्षमता है? ये देखा जाएगा. क्यों ये देखा जाएगा? और इससे रिलेटेड क्वालिटी देखा जाएगा क्योंकि अगला को जॉब मिलने के बाद मतलब इस तरह का रोल अगला को अदा करना है. समझ आ रहा है? ये जॉब का डिमांड है.
तो अब देखें तो आपको अपने अंदर किस तरह का क्वालिटी को अपने किस क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करना है, मतलब क्या शो करना है आपके अंदर कि क्या आपके अंदर है, जो जॉब मिलने के बाद जिस तरह का वर्क आपको मिलना है, मतलब जो आपसे वो वर्क लेना चाह रहा है आपके जॉब होने के बाद, तो उन चीजों का आपको दिखलाना है कि आपके अंदर है, समझ आ रहा है। तो चूंकि आपको जॉब मिलेगा, आईएएस आईपीएस आप बनेंगे, आप क्या करेंगे उसके बाद, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या होना है। ये मूवी देखे आप लोग, सूर्यवंशम मूवी, सूर्यवंशम मूवी में अंदर लेडी बैठी होती है, बाहर क्या होता है, लोगों का कतार लगा होता है, और लोगों का कतार किस लिए लगा होता है, अपने अपने समस्याओं को लेकर, लोगों का कतार किस लिए लगा होता है, अपने अपने समस्याओं को लेकर, और उसका समाधान किसे निकालना होता है, अंदर बैठी डीएम को। दैट मीन्स आपका वर्क प्रोफाइल क्या होना है, दूसरों का समस्याओं का समाधान निकालना, दूसरों को न्याय दिलाना। तो दूसरों को न्याय दिलाएंगे तो इसके लिए आपको गलत का विरोध करना पड़ेगा, अगर आप गलत का विरोध नहीं करते हैं तो आप क्या न्याय दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो गलत का विरोध इसे लेना है, समझ आ रहे हैं। तो इसलिए डू नॉट इंटरफेयर एट ऑल एज दिस इज अ मैटर बिटवीन द टैक्सी ड्राइवर एंड टैक्स अथॉरिटी। आप विरोध नहीं कर रहे गलत का, दैट मीन्स मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा, इसमें गलत का विरोध नहीं किया जा रहा है, और गलत का विरोध होना चाहिए। अभी ये पॉइंट को हम लिखा देंगे। अब आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, टेक नोट ऑफ द इंसिडेंट एंड सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट द मैटर टू द कंसर्न अथॉरिटी। घटना का संज्ञान लेंगे और बाद में संबंधित अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट करेंगे। तो ये होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्यों होगा इसे भी हम बताएंगे। अब एक चीज देखें, चलो इसका होने का संभावना है, इसे क्या करते हैं अभी हम लोग होल्ड में रख देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डी में, ट्रीट इट एज ए नॉर्मल अफेयर एंड सिंपली फॉरगेट अबाउट। इसे एक साधारण मामला समझेंगे और भूल जाएंगे। दैट मीन्स आप यहां पर क्या कर रहे हैं, गलत होने दे रहे हैं, आप गलत होने दे रहे हैं, दैट मीन्स आप उस पोस्ट के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। और यह क्या होगा, अगर आप होने दे रहे हैं, दैट मीन्स किसी का एक्सप्लोइटेशन होगा। और मैंने क्या बतलाया था, जिस ऑप्शन में एक्सप्लोइटेशन होगा उस ऑप्शन को नहीं लेना है, ये डी को नहीं लेंगे। हम लोग के पास बच गया दो ऑप्शन, ए एंड सी, दोनों राइट होगा। किसी को भी आप लगाए आपको फुल मार्क्स मिलना है, बट दोनों में बेस्ट कौन सा होगा ये हम लोग देखेंगे। तो अब हम अच्छा, अब एक चीज इसके लिए जाने, अच्छा दोनों में बेस्ट कौन होगा, सी होगा राइट आंसर। सी क्यों बेस्ट होगा ए के कंपैरिजन में, अब इसे जानना है। हाँ, तो इसे जानने के लिए मतलब एक एलिमेंट को आप समझे, एक बेसिक एलिमेंट को, जो जिस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है उसे ही वो कार्य करने देना है, जो जिस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है उसे ही वो कार्य करने के लिए देना है, तब जाकर के वो वर्क क्या होगा, बेहतर होगा। जैसे सपोज अब सीसेट के लिए यशवंत सर स्पेशलाइज्ड नहीं है, अब अगर सीसेट यशवंत सर आकर के आप लोगों को पढ़ाते हैं तो क्या क्लास में क्वालिटी डिलीवर होगा, नहीं होगा। पोस्टर साटने के लिए यशवंत सर स्पेशलाइज्ड नहीं है और यशवंत सर पोस्टर साटने जाते हैं तो क्या क्वालिटी डिलीवर होगा, नहीं। पोस्टर वो बढ़िया साटेगा जो उस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है, जो वो चीज करते आ रहा है लंबा समय से, समझ आ रहा है। तो अब देखें, तो हम लोग यहां पर देखते हैं, तो यहां पर गो अप टू द काउंटर, काउंटर पर जाएंगे एंड आस्क द क्लर्क टू गिव बैक द मनी विच ही हैज टेकन इलीगल। अब आप क्या ऑथराइज्ड पर्सन है, नहीं है, आप ऑथराइज्ड नहीं है, आप अगला से मांगने जा रहे हैं, ठीक है। बट यहां पर टेक नोट ऑफ द इंसिडेंट एंड सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट द मैटर टू द कंसर्न अथॉरिटी, मतलब इसे नोट मिलेंगे आप अपना, और इस मामला को किसे किसे हैंडल करने देंगे, जो उस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो दोनों में बेस्ट कौन सा, किस में ज्यादा अच्छे से डील होगा, ऑप्शन ए वाले तरीके से या सी वाले तरीके से, सी वाले तरीके से, समझ आ रहा है। बेस्ट कौन हो जाएगा ये, अब मान लो किसी का मर्डर हो गया है, अब उसमें आप जाएंगे मामला को हैंडल करने, तब क्या हैंडल कर पाएंगे उसे, नहीं। तो उसे आपको किसे हैंडल करने देना होगा, प्रशासन को, पुलिस को हैंडल करने देना होगा, समझ आ रहा है। तो जो जिस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है वो चीज उसे ही हैंडल करने देना है। अब मान लो कोई आतंकवादी है, किसी को धमकी दे रहा है, अब आप जाएंगे हैंडल करने तो आपको ढटर ढटर कर देगा, तो क्या आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, नहीं ना। उसे किसे हैंडल करने देंगे आप, जो
जो उस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है। समझ आ रहा है? तो ए और सी में कौन सा बेस्ट ऑप्शन? सी। तो आप इसे क्वेश्चन पढ़ के भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। क्वेश्चन पढ़ करके करें, देखे पढ़ के देख ले क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे उसको हम लोग उसमें हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, बस ये क्वेश्चन को पढ़ करके देख ले। अब ऐसे हम पैसेज को भी बतलाएंगे, उसमें पैसेज पढ़ने वाला टेक्निक से नहीं बतलाएंगे, क्योंकि उसमें आप लोगों को भी झेलाना होगा, फिर हम भी उसमें झेलाएंगे। अब देखे अब आज डिसीजन मेकिंग पढ़ाएंगे, आज के आज ही खत्म हो जाएगा ये। पहले हम डिसीजन मेकिंग पढ़ाते थे 8-10 दिन पढ़ाते थे, और उसके बाद भी स्टूडेंट से सही आंसर नहीं आता था सारा क्वेश्चन में। अब क्या 10 दिन की जगह हम एक ही दिन क्लास लेते हैं, सारा स्टूडेंट सारा क्वेश्चन में सही आंसर आता है। अभी देखना अभी पूरा खत्म होगा, उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन करोगे सही आंसर आएगा, और क्वेश्चन पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ने का भी जरूरत पड़ता था, और सारा क्वेश्चन स्टूडेंट सही आंसर भी नहीं निकाल पाता था। अब क्वेश्चन को पढ़ करके देखिए आप लोग एक बार। जिनका जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज से आप लोग पढ़ के देख ले, बाद बाकी हम चूंकि मेजर स्टूडेंट इसमें हिंदी मीडियम के, इसलिए हम हिंदी वाले से पढ़ करके फिर समझा देंगे। ठीक है, अरे सब सब आईएस का आया हुआ क्वेश्चन, इसके पहले लब जो कराया था वो भी आईएस 2013 में आया था, ये भी आईएस 2013 में आया है। भर लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? देखिए क्या है इसमें, दिल्ली में पंजीकृत व्यावसायिक टैक्सी से दूसरे राज्य के करीब शहर की ओर जाते हुए आपका टैक्सी चालक आपको बताता है कि चूंकि उसके पास उस शहर में टैक्सी चलाने का परमिट नहीं है, अतः वह उसके परिवहन कार्यालय पर रुकेगा और 40 रुपये प्रतिदिन का निर्धारित शुल्क अदा करेगा। काउंटर पर शुल्क अदा करते समय आप पाते हैं कि परिवहन लिपिक 50 रुपया अतिरिक्त वसूल रहा है, मतलब 40 रुपया की जगह कितना 90 रुपया, जिसके लिए कोई रसीद नहीं दी जा रही है। आप अपनी बैठक के लिए जल्दी में है, इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? मतलब आप कोई मीटिंग में जाने वाले हैं, उसके लिए आप जल्दी में है और वो अतिरिक्त वसूल रहा है, इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? अब देखें ये क्वेश्चन पढ़ के हम लोगों ने देखा, अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, गो अप टू द काउंटर एंड आस्क द क्लर्क टू गिव बैक द मनी विच ही हैज इलीगली टेकन। काउंटर पर जाएंगे और लिपिक से वह धन वापस मांगेंगे जो उसने अवैध रूप से लिया है। अब काउंटर में आप मांगने जाएंगे तो आप मीटिंग के लिए वहां पर क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट है इसमें या नहीं है? नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन को नहीं लेना है। टाइम मैनेजमेंट से भी आप ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। और दूसरा क्या, आप उस चीज के लिए ऑथराइज है क्या? नहीं है। अब उसके बाद देखें बी में, लेकिन आप क्या गलत का विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये भी एक मतलब ये भी ऑप्शन आप लगाएंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन बेस्ट वन ये नहीं होगा, क्योंकि गलत का विरोध करना ये आपका पैसा में होने जा रहा है। अब ऑप्शन बी में, डू नॉट इंटरफेयर एट ऑल एज दिस इज ए मैटर बिटवीन द टैक्सी ड्राइवर एंड द टैक्स अथॉरिटी। कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि यह मामला टैक्सी चालक और कर अधिकारियों के बीच का है। क्या यह होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं, इससे भी ये रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें एक्सप्लोइटेशन हो रहा है टैक्सी ड्राइवर का, इसलिए भी ऑप्शन नहीं होगा। अब उसके बाद बी के बाद नेक्स्ट, क्या है, टेक नोट ऑफ द इंसिडेंट, टेक नोट ऑफ द इंसिडेंट एंड सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट द मैटर टू द कंसर्न अथॉरिटी। घटना का संज्ञान लेंगे और बाद में संबंधित अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट करेंगे। ये होगा क्या? होगा। क्यों? क्योंकि इसमें गलत का विरोध भी हो रहा है और इसे वो डील कर रहा है जो स्पेशलाइज्ड है, और इसमें एक्सप्लोइटेशन इसमें एक्सप्लोइटेशन को रोका भी जा रहा है,
अब उसके बाद देखिए ट्रीट इट एज नॉर्मल अफेयर एंड सिंपली फॉरगेट अबाउट इट, इसे एक साधारण मामला समझेंगे और भूल जाएंगे। क्या ये होगा? नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी का एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। मैंने बताया था एक्सप्लोइटेशन वाला ऑप्शन नहीं लेना है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए आप लोग क्या करना, जैसे ये सीसेट वाला बुक खरीद लेना, बता रहे कौन सा बुक खरीदना है, सेम बुक अभी आप लोग कुछ दुकान ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है अभी अधिकांश दुकान में नहीं मिलेगा, कुछ ही दुकान में मिलेगा। इनके जैसे मिलने में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग फिर मेरे से कॉन्टेक्ट करना। तो सीसेट का बुक लेना, दुकान में बोलना ये मेरा नाम है, ठीक है। अब उसके बाद इनकेस यदि दुकान में आपको नहीं मिलता है या बहुत सारा दुकान ढूंढ रहे थे फिर भी नहीं मिलता है, तो आप लोग मेरे से इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना, हम आपको बता देंगे कहाँ पर जाकर के किस दुकान में जाना है। आज मालूम कर लेते हैं कि किस दुकान में अवेलेबल है। ये मेरा नंबर है, आप लोग इस नंबर पे मेरे से कॉन्टेक्ट करके दुकान का नाम का जानकारी मेरे से ले लेना, इन अगर अगर आपको ये मालूम नहीं चलता है तो, या ढूंढते आपको नहीं मिल पाता है तो। हाँ बुक मिल जाएगा, वहां पर बताना एसपीपी पब्लिकेशन, एसपीपी पब्लिकेशन। हाँ ये मेरा ही पब्लिकेशन है, ये शिव पूजन प्रसाद, ये दुकान में बोलना। हाँ मेरा पब्लिकेशन ये मेरा है और बुक भी मेरा है, मेरे दिखाऊँ। और इन फ्यूचर यदि मान लो जैसे सीसेट का कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी कुछ डाउट्स आता है, नहीं बनता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का पिक लेकर के मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर हो सकता है ऑन द स्पॉट रिप्लाई ना करे, बट मतलब देर सवेर आप लोगों को बतलाएंगे, जब फ्री होंगे तो फिर हम वो रिप्लाई करेंगे या उसका आंसर उसको उसको ये सॉल्यूशन बना करके फिर हम पिक आपको फिर सेंड कर देंगे। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, यही नंबर व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, दिख रहा है? तो अब देखे तो अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, सेकेंड क्वेश्चन हो गया ना, तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोगों ने अभी क्या देखे, गलत का विरोध, तो गलत का विरोध को लेना या नहीं लेना है, लेना है तो इसे आप लोग यहां पर नोट कर ले, इसे मिटा दूं। राइट रॉन्ग में राइट वाले साइड में पॉइंट लिख ले, अपोज टू रॉन्ग, गलत का विरोध। अच्छा और एक टर्म मैंने बताया था स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन को लेना है या नहीं लेना है, तो जहां स्पेशलाइजेशन होगा वहां टीम वर्क ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो दैट मीन्स स्पेशलाइजेशन को हम लोग क्या लिखते हैं यहां पर, टीम वर्क, इसे लेना है। जो भी ऑप्शन में टीम वर्क दिखे उस ऑप्शन को आपको लेना है टीम वर्क, दैट मीन्स यहां पर स्पेशलाइजेशन। अब निश्चय है इसमें टीम वर्क है या नहीं है, है एक टीम है, अगर टीम नहीं होता तो सारा कुछ अकेले यशवंत सर करते, पोस्टर भी वही लगाते, होर्डिंग भी वही लगाते, सीसेट भी वही पढ़ाते, सारा कुछ वही करते, दैट मीन्स यहाँ टीम वर्क है। कहने का मतलब जो जिस चीज के लिए स्पेशलाइज है वो उन चीजों को डील कर रहा है। अब जब स्पेशलाइज डील करेगा तो ऑटोमेटिक एक टीम फॉर्म होगा, बिना स्पेशलाइजेशन का टीम फॉर्म हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि बिना स्पेशलाइजेशन का क्या होगा कि एक ही व्यक्ति सब कुछ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर,
ये आईएएस 2013 में थर्ड नंबर भी आया, डिसीजन मेकिंग से जब भी आया 7-8 क्वेश्चन आया एक बार में, तो इस बार भी आएगा तो एक बार में 7-8 क्वेश्चन आएगा, और 7-8 में 7-8 क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ये थर्ड नंबर है, इसे करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन आप लोग मत उतारना, क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा, उतारने में बहुत टाइम आपको लग जाएगा। ध्यान रखना मैंने क्या बतलाया, एक का सिलेक्शन या दो का रिजेक्शन, ऐसा भी हो सकता है कभी आपको तीन गलत दिखे, तो उस केस में दो का रिजेक्शन के चक्कर में मत फंसना, तीनों को रिजेक्ट करके जो एक बेस्ट होगा उसका उसे सिलेक्ट कर लेना, समझ आ रहा है। जब एक ही राइट दिखे तो मतलब दूसरा राइट ढूंढने का प्रयास नहीं करना है, एक का सिलेक्शन या दो का रिजेक्शन। ऑप्शन ए होगा या नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा पहले पढ़ते हैं, उसे अगली बैठक से आपके लौटने तक 2 घंटे और प्रतीक्षा करने के लिए कहेंगे, तो 2 घंटे और प्रतीक्षा करने के लिए कहेंगे तो अगला का टाइम मैनेजमेंट खराब होगा या नहीं, अगला का एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी होगा या नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा या नहीं होगा, तो ऑप्शन डी में क्या है देखें, उसका प्रार्थना पत्र तेजी से लेकर उससे कुछ प्रासंगिक प्रश्न उसकी समस्या के बारे में पूछेंगे और बैठक के लिए चले जाएंगे, इसमें समस्या ध्यान रखना, ध्यान रखना आपको फोकस किस पर करना है, समस्या पर या समाधान में, समाधान में, अगर आप समस्या में फोकस करते हैं तो समस्या का साइज क्या होगा और बड़ा हो जाएगा, समाधान में फोकस करते हैं समस्या का साइज क्या होगा छोटा होगा या समस्या खत्म हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो यहां पर क्या, और आप उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो ऑप्शन से समस्या का साइज छोटा होता हो या समस्या जड़ से खत्म होता हो, वैसा ऑप्शन को कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे जिससे कि समस्या का साइज ना छोटा हो ना खत्म हो, तो वो डिसीजन का मतलब ही नहीं निकलेगा, समझ आ रहा है। तो अब यहां पर देखिए डी में क्या है, उसका प्रार्थना पत्र तेजी से लेकर उससे कुछ प्रासंगिक प्रश्न उसकी समस्या के बारे में पूछेंगे और बैठक के लिए चले जाएंगे, तो क्या अगला का समस्या का समाधान निकला, नहीं निकला तो ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा ये लॉजिकल हुआ ही नहीं, समझ आ रहा है, ये लॉजिकल हुआ ही नहीं। तो डेट मीन्स 2 पॉइंट अभी हम लोग यहां पर देखे, 2 पॉइंट क्या देखे, एक लॉजिकल होना चाहिए आपका आंसर, दूसरा समाधान में फोकस होना चाहिए, लॉजिकल कहने का मतलब समस्या का साइज छोटा होना चाहिए या समस्या खत्म होना चाहिए आपके डिसीजन से, समझ आ रहा है, क्योंकि समस्या समाधान समाधान हेतु ना आप डिसीजन ले रहे हैं, और दूसरा क्या, एक ये और दूसरा आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए, समाधान, तभी समस्या समस्या का साइज छोटा होगा या समस्या जड़ से खत्म होगा। अब इसके बाद देखिए तो डी हमारा नहीं होगा, कोई दिक्कत, ये दोनों पॉइंट का भी हम लिखा भी देंगे। अब उसके बाद देखिए, अब बच गए बी और सी, कोई सा भी लगा दे, अब बी और सी में बेस्ट कौन सा होगा देखें, तो आप देखें समस्या का साइज किस में ज्यादा छोटा हो रहा है, बी में या सी में, इसे आपको देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बेस्ट होगा। यहां पर क्या बोल रहा है, उसे बताएंगे कि मामला वास्तव में एक कनिष्ठ अधिकारी द्वारा देखा जाना है अथवा प्रार्थना पत्र उसे दे दे, तो अब इसमें क्या है,
अपने एक वरिष्ठ मतदाता अधिकारी को बुलाकर निर्देश देंगे कि वह ग्रामीण की समस्या का हल निकाले, तो समाधान के ज्यादा नजदीक कौन पहुंच रहा है, बी या डी? सी। सी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो उस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है उसे आप वो कार्य करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब समाधान के ज्यादा नजदीक आप पहुंच रहे हैं। अब इसमें क्या, अगला को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप उससे मिले, वो ऑथराइज्ड है, तो उसमें क्या है कि इसमें भी वो समाधान की ओर मूव कर रहा है, इसमें भी मूव कर रहा है, लेकिन समाधान की ओर ज्यादा कदम कहां पर बढ़ा, बी के कंपैरिजन में, सी में। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, और सेकेंड बेस्ट क्या होगा, बी। क्लियर हो गया? ठीक है, कॉल वन ऑफ योर सीनियर सबऑर्डिनेट, मतलब जो भी आपका बात मानने के लिए बाध्य है उसमें जो सीनियर है, समझ आ रहा है, तो उसे आप वो ये आदेश देंगे, निर्देश देंगे, समझ आ गया आप लोगों को? तो अब कोई दिक्कत तो बतलाए, तो इसमें दो पॉइंट हम लोगों के निकला, वो दोनों पॉइंट को लिखा दे रहे हैं, यही सब पॉइंट को बस आपको देख रहे हैं, मेन मेन पॉइंट तो लिखाई दिए लगभग। अभी दो पॉइंट क्या निकला, फोकस ऑन सॉल्यूशन, फोकस किसमें करेंगे, समाधान में। और एक क्या बतलाया था, फोकस ऑन सॉल्यूशन मतलब, अब एक और क्या बतलाए थे, लॉजिकल, आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, लॉजिकल, तो लॉजिकल डिसीजन को क्या करना है, लेना है, तो लॉजिकल कहने का मतलब समस्या का साइज छोटा हो या समस्या जड़ से खत्म। प्रॉब्लम का साइज क्या होना चाहिए, यहां से ये यहां हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए, या फिर प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, ये हो गया लॉजिकल डिसीजन, आपका डिसीजन जो होगा वो क्या होना चाहिए, लॉजिकल। तो ऐसे करके डायग्राम बना लेना, अच्छा डर को लेना है या नहीं लेना है, डर को, फियर को नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आप यदि डरपोक होंगे और आपको आईपीएस बना दिया जाएगा, डीएसपी एसपी बना दिया जाएगा, आपका तो सामना आतंकवादी से भी होगा, आप डरपोक होंगे तब फिर गलत का विरोध कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, तो देट मीन्स फियर को नहीं लेना है। हर चीज को अपने क्या करना है, जॉब प्रोफाइल से कनेक्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी क्या क्या थर्ड नंबर किया ना, नेक्स्ट फोर्थ नंबर, फोर्थ भी आईएएस में ही आया हुआ क्वेश्चन है, कल आप लोगों का इंटरपर्सनल स्किल भी खत्म हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग में कुछ प्रैक्टिस, थोड़ा प्रैक्टिस करा देंगे, फिर इंटरपर्सनल स्किल स्टार्ट करके खत्म कर देंगे। ये भी आपका 2013 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4।
हाउ मेनी हैव आंसर ऑप्शन ए, हाउ मेनी हैव आंसर डी, हाउ मेनी हैव बी, हाउ मेनी हैव सी, सी राइट आंसर। अब देखिए आप लोग आंसर निकाल ले रहे हैं। अब देखें क्या है, अब इस क्वेश्चन ये बेस्ट ऑप्शन हमारा सी ही है और सेकेंड बेस्ट है बी, और ए और डी गलत है, ये आप लोगों ने खुद ही फाइंड आउट किया। अब देखिए कैसे, अब यहां पर देखें, रिलीज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सुगर विच योर फ्रेंड हैज रिक्वेस्टेड फॉर, उसे अतिरिक्त मात्रा में चीनी जारी कर देंगे जिसके लिए आपके मित्र ने अनुरोध किया है। अतिरिक्त मात्रा में दे रहे हैं मतलब अतिरिक्त वाला पार्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, आप अगला को दे रहे हैं दैट मीन्स जो उसके लिए एलिजिबल है उसे नहीं मिल पाएगा, दैट मीन्स उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा या नहीं होगा, तो क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। अब ऑप्शन बी में, अपने मित्र को अतिरिक्त मात्रा में चीनी जारी न करके नियमों का सख्ती से पालन करेंगे, ये भी होगा, समझ आ रहा है। देखो अब उसके बाद अपने मित्र को सरकारी आदेशों के प्रति दिखलाएंगे, ये आंसर किसका टाइप का हुआ, ये हुआ भीष्म पितामह और राम भगवान टाइप वाला आंसर। तो भीष्म पितामह और राम भगवान टाइप वाला आंसर भी क्या होता है, सही होता है, लेकिन बेस्ट क्या होता है, कृष्ण टाइप का, समझ आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, नियम का पालन किया जा रहा है, एक पैटर्न जो बना हुआ है उस पैटर्न को यहां पर फॉलो किया जा रहा है, और सी में किसका इस्तेमाल हो रहा है, समझ का, समझ आ रहा है, समझ का, लॉजिक से परे। तो अब देखें यहां पर क्या है, अपने मित्र को सरकारी आदेशों के प्रति दिखलाएंगे और उसे नियमानुसार चीनी की कम मात्रा स्वीकार करने के लिए तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप अगला का भाव को समझ रहे हैं, तो भाव को समझते हुए सामने वाला को हर्ट नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप अगर किसी को हर्ट भी करते हैं तब भी आप सामने वाला को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां सारा कुछ सही है बट सामने वाला हर्ट फील, यहां पे सामने वाला हर्ट फील करेगा, दैट मीन सामने वाला कहीं ना कहीं डैमेज होगा, इकोनॉमिकली नहीं बट कोई और तरीके से, और यहां पर डैमेज का क्वांटिटी क्या है, कम है। तो अब यहां पर क्या है, इसमें डी में, उसे आवंटन करने वाले अधिकारी को सीधे प्रार्थना पत्र देने की सलाह देंगे और सूचित करेंगे कि आप इस ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, तो ये होगा क्या, नहीं, आप ही ऑथराइज्ड है, ऊपर ऑप्शन से भाव समझ आ रहा था, और ऐसे भी आपको क्या करना है, गलत का विरोध करना है, आप कैसे उसको बोल देंगे कि जाओ यहां चोरी मत करो, वहां से जाके चोरी करो, ये मेरे माध्यम से चोरी मत करो, किसी और के माध्यम से चोरी करो। अब चोरी करने के लिए आप इंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं अगला को, गलत में आप साथ कैसे दे सकते हैं अगला को, इसमें क्या आ रहा है, गलत का साथ देने वाला बात आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, और इसमें एक्सप्लोइटेशन भी आ रहा है, आप वो चीज करने के लिए बोल रहे हैं मतलब आप एक्सप्लोइट करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये फोर्थ नंबर समझ आ गया। नेक्स्ट कुछ और बेसिक टर्म को बतला देते हैं, उसके बाद कल फिर रिमेनिंग प्रैक्टिस करा देंगे और उसके बाद फिर इंटरपर्सनल स्किल स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक टर्म और देख ले। कुछ और बेसिक टर्म देख ले जो वो लेने नहीं लेने वाला जो सिस्टम, बाद में क्या आगे इसके अप्लाई करना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और करवा देंगे, जो लेना है और जो नहीं लेना है। अब इसमें दो तरह का चीजें है, एक क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, क्रिएशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी। अब जितना भी अदर चीजें हम सबको यही दो चीज से कनेक्ट कर देंगे तो बहुत ज्यादा चीज आप लोग जानने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, इसे लेना है या नहीं लेना है, क्रिएशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी, इसे लेना है या नहीं लेना है, नहीं लेना है, क्यों, अभी इसे समझाते हैं। तो यहां पर कोई सा भी चीज जिसे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता हो, क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, क्रिएशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी किस चीज का काम करता है, आपके अंदर अगर सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होगा तो उससे किस तरह का काम होगा, निर्माण का कार्य होगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा। तो इससे किस तरह का काम होना है, कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का, समाधान का, कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, निर्माण का, समाधान का, समाधान का, सॉल्यूशन का काम होना है,
या कंस्ट्रक्शन का। और अगर क्रिएशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी अगर क्रिएट होता है आपके अंदर, तो नकारात्मक ऊर्जा अगर आपका उत्पत्ति आपके अंदर होता है तो उसे क्या कार्य होगा, विनाश का कार्य होगा, डिस्ट्रक्शन का, डिस्ट्रक्शन का कार्य होगा। और क्रिएशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी में आपका क्या होगा, इसमें ये आपके अंदर किस चीज का उत्पत्ति होगी, मेंटल पीस, मेंटल पीस, मेंटल शांति वाला पीस की स्पेलिंग देखो तो सही है। और क्रिएशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगा तो मानसिक पीस, आपका मानसिक पीस क्या होगा, खराब होगा, मानसिक शांति खत्म होगा आपका, अशांति का उत्पत्ति होगा। अब क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मतलब ये क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी का आउटपुट क्या है, लव, और उसके बाद और इसका आउटपुट क्या है, उत्साह। उत्साह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ ये इधर सही स्पेलिंग, ई एन टी एच यू, एस ओ एन, देख लो डिक्शनरी में यही है, देखो मोबाइल में देखो डिक्शनरी में यही है, देख के बताओ, एस आई ए एस एस एम, ये ठीक है, ये उत्साह। अब इसमें किसका उत्पत्ति होगा क्रिएशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी में, हेट का या लव का, नफरत का या प्रेम का, हेट का, घृणा का उत्पत्ति होगा इसमें जब आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है तो। तो इसमें क्या, हेट, स्पेलिंग एच ए हेट, नफरत का उत्पत्ति होगा, घृणा का उत्पत्ति होगा। और किस चीज का उत्पत्ति होगा, एंगर का उत्पत्ति होगा, एंगर का उत्पत्ति होगा। तो इसे हम समझाते हैं, और भी जो जो चीज का उत्पत्ति होता है वो सारा इसमें खुद से अपना फाइंड आउट कर लेना, और भी जो जो चीजों का होता है। तो ऐसे इतना ही तक आपका ये ऑप्शन में दिखेगा, बाद में क्या दिखेगा भी नहीं। तो अब एक चीज देखें, अधिकांश खेल किसका है, एनर्जी का, अधिकांश खेल किसका है, एनर्जी का। अब कोई अगर बहुत बड़ा बना है तो एनर्जी का स्टोरेज से, कोई खत्म हो गया है तो एनर्जी का डिस्चार्ज, कोई खत्म हो गया तो कैसे, एनर्जी का डिस्चार्ज से। आप लोग देखेंगे, जैसे बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर को आप देखें तो दिन रात उन लोग एनर्जी का स्टोरेज का ही काम करता रहा है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल ले ले शिव जी, शिव भगवान का एग्जाम्पल ले ले, तो समाधि में बैठे होते थे, बैठे रहते थे, समाधि में बैठे रहते तो उसमें क्या होता था, ब्रह्मांड एनर्जी उसके मस्तिष्क से मस्तिष्क में प्रवेश करता था। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करते हैं, दैट मीन्स आपके माइंड में जो लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज हटता है, दैट मीन्स वैक्यूम क्रिएट होता है आपका माइंड में। वैक्यूम जब आपका माइंड में क्रिएट होगा तो ब्रह्मांड एनर्जी को वो क्या करेगा, अपने अंदर सोखेगा। मतलब ब्रह्मांड एनर्जी आपके अंदर क्या होता है, प्रवेश होता है, ब्रह्मांड एनर्जी का प्रवेश होता है। और ब्रह्मांड एनर्जी आपके अंदर प्रवेश होगा तो आपका मस्तिष्क क्या होगा, पूरा पीस होता चला जाएगा, शांत होता चला जाएगा। तो आप लोग देखेंगे विष्णु भगवान को भी ले ले, वो भी दिन समाधि में बैठे लेटे होते थे। आप रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल ले ले, वो भी मेडिटेशन करते थे। स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल ले ले, वो भी मेडिटेशन करते थे। उसके बाद गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध इंसान से भगवान बन गए किसके दम पर, मेडिटेशन के दम पर, वो इनलाइटेंड हुए। गौतम बुद्ध क्या हुए, इनलाइटेंड हुए। इनलाइटेंड होने के क्रम में क्या किए, जैसे आप लोग ऐसे समझे, सपोज ये क्या है, पानी है ये, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे पानी है, नीचे ये बालू है, नीचे ये क्या है, बालू है। अब इस पानी में आप गंदगी को डाल दे, ठीक है, तो ये बालू दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। सेम ऐसे ही जब आपके मस्तिष्क में अश्लीलता प्रवेश करता है तो आपको अंदर का ज्ञान दिखलाई नहीं देता है, बाहर का भी ज्ञान दिखलाई नहीं देता है। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें
किचड़ नहीं डाला जाता है, सिर्फ पानी को ऐसे वाइब्रेट कर दिया जाता है, कंपित कंपन कर दिया जाता है पानी में, तो बालू दिखाई देता है क्या? देता है, बट धुंधला धुंधला दिखाई देता है, बट धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो आपका मन, आपका मस्तिष्क जब अशांत होता है तो अंदर का ज्ञान धुंधला धुंधला दिखाई देता है। समझ आ रहा है? अब उसके बाद देखे, जब ये पानी पूरा शांत अवस्था में होता है, कोई हलचल नहीं, तो बालू को आप देखना अस्पष्ट दिखाई देगा, देता है यानी अस्पष्ट दिखाई। तो जब आपका मस्तिष्क पूरा शांत अवस्था में होता है, तो क्लास में बैठे रहेंगे, टीचर जो भी कुछ आपको देगा माइंड एक्सेप्ट करता चला जाएगा, माइंड में आप तेजी से इंटर करता चला जाएगा। तो अब गौतम बुद्ध के साथ क्या हुआ? वो मेडिटेशन करते थे, ठीक है, गौतम बुद्ध मेडिटेशन करते थे। अब मेडिटेशन किए, धीरे धीरे मन शांत हुआ। जब आपका मन अशांत होगा, अश्लीलता होगा, दो दिन पहले क्या हुआ था आपके साथ आपको याद नहीं आएगा, क्या क्या दिन भर दो दिन पहले आप किए थे। लेकिन जब आपका माइंड शांत होगा तो एक दिन पहले का याद आने लगेगा, किस समय ऐसे ऐसे, फिर और शांत होगा, और चार दिन पहले का, और शांत होगा, दो साल पहले तक का आप रिकॉग्नाइज करेंगे, और एक्सट्रीम शांत हो जाएगा, तो इस जन्म का सारा कुछ आपको याद आ जाएगा, सारा पन्ना खुल जाएगा इस जन्म। और जब एक्सट्रीम से भी ज्यादा एक्सट्रीम की शांति की ओर आपका मस्तिष्क मूव कर जाएगा, तो पिछला जन्म का फोल्डर खुलने लगेगा। और गौतम बुद्ध के साथ यही हुआ, गौतम बुद्ध के साथ क्या हुआ, यही हुआ, पिछला जन्म का फोल्डर खुलने लगा और वो इनलाइटेंड हो गया। आप सोचिए, जब पिछला जन्म का आपको याद आ जाएगा, तो पिछला जन्म में जितना भी कुछ सीखे होंगे, कोई फ्रेंच इंग्लिश सीखे होंगे, फ्रांस में अगर जन्म लिए होंगे तो फ्रेंच इंग्लिश तुरंत आ जाएगा आपको सारा कुछ, और क्या क्या सीखे होंगे वो सब भी तुरंत आ जाएगा। अब पुराना कई जन्मों का फोल्डर खुलेगा तो कितना ज्ञान आपके पास आ जाएगा, समझ आ रहा है? तो अब देखे, तो ये किसका शक्ति है? गेन ऑफ एनर्जी का शक्ति है। मेरी अब देखे, अब उसके बाद देखे नेक्स्ट, अब सारा वीकनेस किसमें है? एनर्जी का डिस्चार्ज में। अब आप लोग एग्जांपल देते हैं, आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो उस समय आपके अंदर से एनर्जी क्या होता है? बाहर निकलता है। आप किसी पर गुस्सा किया, सामने वाला डर गया और वो आपका विरोध करना बंद कर दिया, आपको प्रोत्साहन मिला, आप और ज्यादा गुस्सा करने लगे, आप देखे कि नहीं व्यक्ति आपके अनुकूल हो जा रहा है, और ज्यादा गुस्सा करने लगे और आपके अंदर से एनर्जी डिस्चार्ज हुआ, वो आपके अनुकूल हो गया, और हर जगह पर आप गुस्सा करने लगे, आपके अंदर से एनर्जी डिस्चार्ज होते रहा। अब जब आपके अंदर एनर्जी बहुत कम बच जाएगा तो आपको लकवा मार देगा, समझ आ रहा है? अधिकांश जिसको भी आप देखेंगे कि लकवा मारा है, उसमें अधिकांश गुस्सेल टाइप का व्यक्ति होता है, वो हमेशा एनर्जी अपना डिस्चार्ज करते रहता है। तो आपको क्या करना है? एनर्जी का डिस्चार्ज कम से कम करना है, अधिक से अधिक एनर्जी को अपने अंदर मतलब बनाए रखना है, क्योंकि उसी एनर्जी का इस्तेमाल से आप कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, क्योंकि सेम एनर्जी से आप कंस्ट्रक्शन का भी काम कर सकते हैं और डिस्ट्रक्शन का भी काम। बहुत सारा कोई ऊपर उठे तो वो कंस्ट्रक्शन का काम किए, आप उस एनर्जी से डिस्ट्रक्शन का काम करेंगे, तो ये समझ आ रहा है? ये जो क्रिएशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी, इसमें क्या होता है? डिस्ट्रक्शन का काम होता है। आप जब क्रिएशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी, आपके अंदर जब नकारात्मक ऊर्जा का उत्पत्ति होता है, तो आपका स्टैटिक एनर्जी डायनेमिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है आपके अंदर, और जब स्टैटिक एनर्जी डायनेमिक एनर्जी में आपके अंदर कन्वर्ट होगा, तो वो एनर्जी बाहर निकलना चाहेगा, और वो गुस्सा के रूप में बाहर निकलेगा या कोई और रूप में बाहर निकलेगा, और आप कमजोर होते चले जाएंगे, समझ आ रहा है? क्योंकि आपके अंदर किसी के लिए नफरत उत्पन्न होगा, तब भी आपका अंदर का स्टैटिक एनर्जी डायनेमिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और वो बाहर निकलना चाहेगा। आप गुस्सा करेंगे, उस पर कुछ करेंगे, कैसे ना कैसे वो बाहर निकलेगा, नहीं बाहर निकलेगा, आप पूरा अशांत फील करेंगे, एंगर हो या हेट हो या जो भी। तो अब इसमें आप लोग देखेंगे जो कर्ण को अपने अंदर का डायनेमिक एनर्जी मतलब अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा का उसके अंदर उत्पत्ति होता था, उसे सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट करके निर्माण का कार्य करना कर्ण को आता था, इसलिए कर्ण मतलब क्या, वो बड़ा लेवल का खिलाड़ी बन पाया था, और उसे शायद सीखने के लिए ये मिला था किससे? परशुराम से। वो उसे सिखलाई दे कि कैसे आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा का उत्पत्ति होता है उसका उसे आप निर्माण के कार्य में लगा सकते हैं। तब देखे, तो ये मैंने बतला दिया, बाद में नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रैक्टिस करवा देंगे, फिर इंटरपर्सनल स्किल स्टार्ट कर देंगे। ऐसे अब उतना मैंने बतला दिया जिससे कि आप लोग डिसीजन मेकिंग का सारा क्वेश्चन का आंसर सही सही निकाल सके। कल कुछ और प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है? ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, वेलकम।